हेलो एवरीवन, मैं सौरभ गुप्ता मैथ्स की इस प्रैक्टिस बैच में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। और जैसा कि अभी तक आपको प्रैक्टिस 8 तक, जो भी प्रैक्टिस सेट 8 तक आपने पूरा क्वेश्चन अपने से लगाया या इस यहाँ से आपने सोल्यूशन देखा या ई बुक के माध्यम से आपने हेल्प लिया, आपको हर जगह आपको अच्छे से समझ में आया होगा सारी चीज़ें। आपके कॉन्सेप्ट भी नए नए वहाँ से निकल कर आए होंगे और आपको काफ़ी मजा आया होगा। ठीक है, तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का जो आपका सेट होने वाला है 9 का, पूरा कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे और यहाँ से भी बहुत ही नई नई जानकारियाँ इकट्ठा करेंगे मैथ्स से रिलेटेड। ठीक है, चलिए तो यहां पर आज का जो पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का आपके सामने ये रहा। ठीक है, एक बार इसको आप ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन ये आपका क्या है, क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि किसी समचतुर्भुज की भुजा, तो सबसे पहली बात तो समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, यह भी ध्यान रखिएगा। रॉम्बस, रॉम्बस जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं समचतुर्भुज। किसी समचतुर्भुज की भुजा 26 सेंटीमीटर तथा उसका शीर्ष लंब 10 सेंटीमीटर है, यदि उसके एक विकर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर हो तो दूसरे विकर्ण की लंबाई यहां से ज्ञात करनी है। तो जब भी रॉम्बस की बात होती है तो रॉम्बस के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2। d1 और d2 क्या होगा, डायगोनल्स होगा, विकर्णों की लंबाई होगा। तो हमें दोनों ही विकर्णों की लंबाई यहां पर दी है, हाँ दोनों की नहीं एक की दी है, तो दूसरा आपको निकालना है। और उसके अलावा एक चीज आपको और ध्यान रखना है, यहां पर दिया है कि उनका उसका शीर्ष लंब 10 सेंटीमीटर है और जो चतुर्भुज भुजा 26 सेंटीमीटर दिया है उसका जो शीर्ष लंब दिया है कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है, और एक विकर्ण की लंबाई है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई आपसे पूछ रहा है। यहां पर जो इंफॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान सुनिएगा, कैसा भी आप चतुर्भुज बना रहे हो, क्वाड्रिलेटरल इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल, अगर हमें एक भुजा पता हो, ध्यान दीजिएगा, एक कोई भी भुजा अगर मुझे पता हो और इस पे डाला गया लंब कि जो डाला गया लंब होगा, जो हाइट होगा, अगर उसकी ऊंचाई हमें पता हो तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो किसी भी चतुर्भुज का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। वो चतुर्भुज कोई भी हो सकता है, समांतर भी हो सकता है, या आप आयत की बात कर लो, आयत तो वैसे ही वहां पर 90 डिग्री बन जाता है, उसके अलावा आप काइट की बात कर लो या इसकी बात कर लो, कोई भी अगर चतुर्भुज होगा इन जनरल फॉर्म में उस बेस पर डाला गया जो लंब होगा, हाइट जो होगी, उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो सीधी बात है, एक फार्मूला तो आपने ये पढ़ा था रॉम्बस में, यहां से भी क्षेत्रफल निकलेगा। और एक ये ध्यान रखिएगा, जिस भुजा पर डाला गया लंब है, शीर्ष लंब मतलब वही हाइट कितना 10, इनका मल्टीप्लिकेशन ये भी वही आपका एरिया होगा, मतलब जो एरिया ये होगा वही एरिया ये होगा। तो इसको बस आपको सॉल्व करना है, तो 1/2 d1, एक विकर्ण की लंबाई दी गई है 13, तो यहां से आप d2 की लंबाई निकाल सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 13 × 26, 10 × 20 और 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो d2 बराबर कितना जाएगा, 40 सेंटीमीटर। d2 बराबर क्या होगा, 40 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। जो दूसरा क्वेश्चन है ये आपके सामने है, ये भी आपका मेंसुरेशन से क्वेश्चन है और इसको आप स्टार लगा लेना, इसको आप स्टार लगा लीजिएगा। इसका जो आपका आंसर क्या है, एक बार आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप इसका कमेंट कर सकते हैं, क्या आपका आंसर आ रहा है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, और यहां पर देखिए, एक तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो उसके द्वारा घिरा जो क्षेत्रफल है 484 वर्ग सेंटीमीटर है, तो तार द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसी तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाए। मतलब सीधी बात है, जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया है, वर्ग के रूप में मोड़ा गया है, ठीक है, और वर्ग क्या होता है, जिसमें चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो उसके द्वारा जो घिरा क्षेत्रफल है 484 वर्ग सेंटीमीटर है। तो अब आप समझिएगा, क्या यहां से क्षेत्रफल जो दिया है किसका, वर्ग का, ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, आपको पता है ए स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। मान लेते हैं जो वर्ग की भुजा की लंबाई है वो क्या है, साइड क्या है, ए है, तो एरिया जो होता है ए स्क्वायर होता है, तो 484 दिया है और ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर होगा, तो एक भुजा की जो भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी वर्ग के, इसका वर्गमूल निकालेंगे कितना होता है, ये आपका 22 हो जाएगा, तो 22 सेंटीमीटर आपका आ गया वर्ग की भुजा की लंबाई। क्लियर,
सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, जैसी भुजा की लंबाई आई तो जो भी तार मोड़कर बनाया गया है वहां से हम इसका परिमाप निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका जो परिमाप होगा वहीं से बनाया गया होगा, और यहां से मुझे जो वायर की लंबाई होगी वो आ जाएगी तार की लंबाई। तो परिमाप जो होगा भुजा चार गुड़े जो भुजा होता है, ठीक है, तो 22 चौक कितना हो जाएगा 88, 88 सेंटीमीटर, इसका यूनिट भी क्या होगा 88 सेंटीमीटर। अब समझिएगा ध्यान से, यहां पर थोड़ा सा, यहां पर अगर ध्यान से देखें, यदि इसी तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, किसके रूप में, वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, तो आपसे पूछा गया यहां पर उनके द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या, देखिए लिखा ना तार द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसी तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाए। तो सीरीज बात है कि जो भी परिमाप होगा इसी वायर की लंबाई को हम लोग वृत्त बनाने में भी लेंगे, तो 2πr मतलब जिसे हम लोग बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, 2πr, पाई की वैल्यू 22/7, आर आपको यहां से निकालना पड़ेगा, और सी की वैल्यू हमें पता है कितना 88, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितनी बार जाएगा 4 बार, ठीक है, फिर 2 से काट दीजिए, 2 × 4 और 7 × 14, तो रेडियस जो आ जाएगा आपके कितना जाएगा 14 सेंटीमीटर, रेडियस कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। और उसके बाद जैसे रेडियस अगर 14 सेंटीमीटर आ गया तो अब आप क्या लगा दीजिए, एरिया का फार्मूला किसका, सर्कल का, पाई आर स्क्वायर 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 14 × 14, 7 × 14, 22 × 28, और 22 × 28 क्या होता है, 22 × 28 क्या होता है 616 वर्ग सेंटीमीटर, 616 वर्ग सेंटीमीटर, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आप जल्दी कर सकते थे, लेकिन यहां पर जो आपका ट्रिक है थोड़ा ध्यान सुनिएगा, यहां पर आप क्वेश्चन को और जल्दी लगा सकते थे, जैसे आप परिमाप जब पहुंच गए ना 88, तो यहां से आपको ये पता होना चाहिए, जैसे मान लीजिए अगर मैं ये परिमाप 44 होता, 44 किसका होता परिमाप, जो वर्ग का परिमाप था वही आपका वृत्त का भी, वही परिधि जिसे हम बोलते हैं परिमाप बोल सकते हैं, तो वही आपका ये भी होगा वृत्त का भी होगा 88, इसीलिए मैंने यहां रखकर इसको सॉल्व किया। अगर ये 44 होता, ध्यान दीजिएगा, अगर ये 44 होता और अगर मैं इसको निकालता तो यहां से रेडियस हमारा क्या था 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त का एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कि अगर आपका रेडियस 7 होता है, रेडियस अगर 7 होता है तब हमारा एरिया बनता है। ध्यान दीजिएगा यहां पर थोड़ा समझिएगा, परिधि, मैं वृत्त की बात कर रहा हूं, सर्कल की बात कर रहा हूं, पी का मतलब है पेरीमीटर, यहां रेडियस की बात कर रहा हूं और एरिया की बात कर रहा हूं। अगर आपका रेडियस 7 है, रेडियस अगर 7 होगा तो परिधि जो होता है वृत्त का वो आपका होता है 44 और एरिया क्या हो जाता है 154। सॉल्व करके देख सकते हैं आप, अगर आप यहां रखेंगे तो 22/7, 7 से 7 कट जाएगा और 22/7 कितना जाएगा 154 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं क्या कर रहा हूं, अब आर को अगर मैं दुगना कर रहा हूं तो पेरीमीटर भी क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है 88, और ये आपका दुगना नहीं होता, ये आपका 4 गुना हो जाता है, मतलब जो ये दुगना हुआ है 2 का स्क्वायर मतलब 4 गुना हो जाता है, और इसमें 4 का जब मल्टीप्लाई करोगे देखिए वही आएगा 4 × 16, 4 × 5 = 20 और 21, 4 × 1 = 4, 2 = 6। तो इसी तरीके से आपका रेशियो में आपका आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर ये 3 गुना होता, 44 गुणे अगर मैं 3 करता और 21 अगर रेडियस होता तो मैं इसको 3 गुना करता, ये तुरंत कर सकते हैं सर, ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए रेडियस हमें 21 दिया है तो मैं डायरेक्ट परिधि, वृत्त की परिधि जो होगी मैं डायरेक्ट क्या करूंगा 44 का 3 गुना कर दूंगा, डायरेक्ट आपका आंसर। अगर मुझे क्षेत्रफल निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर क्षेत्रफल निकालना होगा तो 3 का स्क्वायर मतलब 9 गुना करना पड़ेगा मुझे 154 का। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को आसान कर सकते हैं। थोड़ा सा ये चीज है एक्स्ट्रा मैंने आपको बताया, ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन काफी लोग यहां पर भी दिक्कत पैदा आपको हो सकती है, यहां पर यार ये कैसे होगा, थोड़ा सा लॉजिक समझिए। यहां पर आपका ये कैलकुलेशन ट्रिक से ये उठाया गया क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन के ही बेस पे में भी शायद आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि 1 2 3 4 3 2 1 पढ़ा है आपने, ये क्या होता है पता है, ये आपका होता है 1 1 1 1 का होल स्क्वायर होता है, और इसका मतलब अगर ये स्क्वायर है तो बाहर आएगा तो क्या आएगा 4 बार 1 आ जाएगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब आप देख रहे हैं सर, अगर मैं थोड़ी देर के लिए जीरो को हटा देता हूं, जीरो को अगर मैं हटा देता हूं, छुपा देता हूं, तो आप देखेंगे 1 2 3 4 3 2 1, यहां पर देखिए 1 2 3 2 1, इसका मतलब अगर मैं जीरो को हटा दूं कुछ इसी तरीके से फॉर्मेट बनेगा,
कुछ इसी तरीके से फॉर्मेट बनेगा। और वही जीरो अगर मैं फिर लगा दूं तो समझ जाइएगा बीच में बस वन वन के बीच में एक एक जीरो आपको लगा देना है, मतलब इसका जब वर्गमूल आप निकालोगे तो आएगा वन, वन कितनी बार आएगा, चार तक गया तो वन आपका चार बार आएगा, लेकिन इन वनों के बीच में आपका एक जीरो लगा होगा। अगर यहां पर दो दो जीरो बीच में लगा होगा तो इनके भी बीच में आपको दो दो जीरो लगाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ये मैंने खुद से ये क्वेश्चन यहां पर डिजाइन किया है, ठीक है। यहां पर आपका ये आ गया, ऐसे इसको जब भी माइनस करेंगे, चलिए मैं इसके नीचे ही माइनस करता लिखता हूं, ये देखिए तीन तक जा रहा है, तो इसका मतलब ये तीन तक अगर जा रहा है तो कुछ ऐसा लिखा जाएगा क्या, इसको बस आप घटा लीजिए, और जब आप घटाओगे तो यह आ जाएगा एक दो तीन चार पांच छह, छह जीरो लगा होना चाहिए। यहां देखिए एक दो तीन, तीन तीन छह, आंसर क्या जाएगा, सी। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी, तो इसका जो आंसर आएगा क्या होगा, थ्री का सी, थर्ड का सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं फोर्थ में, फोर्थ वाला क्वेश्चन देख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है आपको। एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन लिखा है, पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसको 52, 56, 78, 91 से भाग देने पर, विभाजित करने पर कोई भी शेषफल ना बचे, कोई भी शेषफल ना बचे। अब यहां से अगर ध्यान दें तो सारे नंबर में, यहां पर अगर आप ध्यान दें, ये देखिए 78 में 78 जो होगा ये 13 से कटता है, 13 छंग 78, इसके अलावा तीन भी फैक्टर होगा, तो छोटे छोटे आपको फैक्टर्स तलाशने होंगे जिसकी डिविजिबिलिटी रूल आपको पता हो। इसका मतलब इन सभी से भाग देना टफ है, लेकिन हम छोटे फैक्टर से अगर ढूंढ लें, वहां से अगर भाग देना स्टार्ट करेंगे तो ज्यादा आसान होगा। जैसे 56 में 8 × 56 होता है, 8 × 56 अगर 56 से विभाजित है तो सीधी बात है 8 से भी विभाजित होगा, 7 से भी विभाजित होगा, तो 8 की डिविजिबिलिटी रूल अगर आप ध्यान से देखें, सारे ही ऑप्शन 8 से कट रहे हैं, 8 से चेक ही नहीं हो पाया। अब 78 में आपको पता है कि 8, 7, 15, 78 में कहीं ना कहीं एक फैक्टर 3 है, तो इसलिए जो दिया गया ऑप्शन होगा उसमें एक फैक्टर मतलब कहीं ना कहीं 3 से वो कट रहा होगा, चेक करा जाए क्या। तो यहां अगर ध्यान से देखें 6, 4, 10, 5, 15 मतलब ये 3 से कट रहा है। यहां पर अगर आप आए ये 9, 8, 8, 16, 2, 18 ये भी 3 से कट रहा है, ये भी अगर आप ध्यान दें 9, 7, 2, 9 मतलब ये 9 हो गया, बच गया 8, 8 आपका 3 से नहीं कट रहा, इसका मतलब सी ऑप्शन आपका आंसर नहीं हो सकता, क्लियर। यहां पर अगर आप आते हैं, यहां पर अगर ध्यान दें 6, 3, 9, 4, 2, 6, 1, 7 ये भी नहीं होगा, तो हमने जब 3 से डिविजिबिलिटी रूल को चेक किया तो हमारे पास दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, अब दो ऑप्शन आपके पास बचे हुए हैं, ठीक है। अब थोड़ा समझिएगा ध्यान से, यहां पर पूछा गया है पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या, पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचा, एक तो 1, 2, 2, 6, 4 और एक आपका ये है, और पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको सीरीज बात दिख भी रही होगी 98,000 आपको ये दिख रहा है, क्लियर है। लेकिन अब ऐसे लगा नहीं देना है, मे भी अगर मान लीजिए इसमें से ये डिविजिबल नहीं हुआ तो हमारा पहले ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, लेकिन चांसेस क्या है, चांसेस क्या है, हम बी के साथ जाने के ज्यादा चांसेस। अगर मान लीजिए आपके पास समय कम है, 5 सेकंड, 4 सेकंड का समय बचा है, तो आप 100% इसको लगाकर आगे बढ़ जाइए, क्योंकि ये 12,000 समथिंग है और ये क्या है 98,280 है, क्योंकि आपसे पूछा है पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अगर पूछा होता पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या तो मैं इसको चेक करता, इसको लगाकर आगे बढ़ जाता, लेकिन हम लोग चेक करेंगे फिर आंसर को, यहां पर लगाएंगे टिक करेंगे यहां पर ऑप्शन को। अब यहां पर पकड़ते हैं हम लोग 13 × 78 और यहां पर देखिए यहां पर 7 भी है, तो 13 और 7 की डिविजिबिलिटी रूल एक ही जैसी होती है, ठीक है, तो उसको आप चेक कर लीजिए। कैसे चेक करेंगे ध्यान दीजिएगा, 7 और 13 की जो डिविजिबिलिटी रूल होती है उसका रूल ये है कि यहां से 3 अंक का पेयर बना लिया, जो भी बचेगा इधर उसको 264, जो भी 3 अंक का होगा उसको उसमें से घटा लो, मतलब 264 में से 12 घटा लीजिए, घटाने के बाद जो भी संख्या प्राप्त होगी, घटाने के बाद जो भी संख्या प्राप्त होगी, जैसे 252 आया, तो ये 252 जो होगा अगर ये 7 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या भी 7 से कटेगी, घटाने के बाद अगर ये संख्या 13 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या भी क्या होगी 13 से कटेगी। और आपको 100% यहां से ये भी पता चल गया होगा जो भी ऑप्शन होगा वो 7 और 13 से विभाजित होना चाहिए पूर्णतया, ठीक है। तो 252 अगर आप चेक करें तो क्या ये 7 से कट रहा है, तो आप देखोगे ये 7 से कट रहा है, 13 से कट रहा है क्या, 13 कम 13, ठीक है, तो फिर बचेगा आपका कितना 12, 122, तो 122 तो आपका 13 से कटा नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गया काम से, बचा क्या एक ही ऑप्शन, क्लियर। लेकिन आप इसको भी चेक कर लेते हैं, तो 280 में से अब आप क्या करिए 98 घटा दो, घटाने पे 13 और 7 के लिए एक ही रूल है, ध्यान रखिएगा 10 में से 8 गया 2 और यहां से आपका आ जाएगा 17,
ये 8 हो जाएगा और यहां बचा क्या 182, 182, क्लियर। तो यहां पर अगर आप ध्यान दें, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक बार आप चेक कर लेना, हाँ सही है। तो 182 को अगर आप चेक करें, 7 से कट रहा है क्या, तो अगर आप ध्यान दें 7 दूनी 14, 7 छंग 42, 7 से कट रहा है। यहां पर अगर 13 चेक करेंगे, 13 एक कम 13 और 13 चौका 52, इसका मतलब ये 13 से भी कट रहा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, क्लियर है। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को आसान कर सकते हैं, यहां पर कोई भी एलसीएम या एससीएफ कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है, जैसा बता रहा हूं वैसे ही आपको एग्जाम में करना है। चलिए, और वैदिक मैथ्स में ऐसी गजब की चीजें सारी दी गई हैं जिसमें आप जैसे काफी लोग बस 13 या 11 तक ही सीखते हैं, लेकिन हम 41 तक की डिविजिबिलिटी रूल, 49 की डिविजिबिलिटी रूल, 51 की, 57 की, किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी रूल हम लोग फाइंड आउट खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, फिलहाल इतना ज्यादा डीपली नहीं जाना क्योंकि मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो तरीके तो बहुत हैं, बड़े बड़े नंबर्स के भी डिविजिबिलिटी रूल आप चेक कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा, और इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन ये है कि गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने पर ललिता 320 रुपए में 5 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकती है, तो गेहूं का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या था। यहां पर आपसे प्रारंभिक मूल्य भी और वर्तमान मूल्य, दोनों ही मूल्य यहां पर आपके पूछे जाते हैं, ठीक है, दोनों ही मूल्य आपके यहां पर पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे आसानी के साथ, उसको देखते हैं। सबसे पहले जो भी परसेंटेज वैल्यू दिया है उसको आप फ्रैक्शन में चेंज कर लो, 20% का मतलब क्या हो गया 1/5। अब इसमें फ्रैक्शन में आपको हर चीज का मतलब पता होना चाहिए कि 5 क्या है और 1 क्या है। ये आपका शुरुआत वाला मूल्य है और 1 क्या है, 1 आपका कमी बता रहा है, देख रहे हैं ना, कमी, तो 1 आपका कमी बता रहा है, इसका मतलब मूल्य में ये कमी हो रही है, मूल्य में कमी हो रही है, और इसका मतलब ये जो 320 रुपए वो खर्च कर रहा है, कितना, 5 किलोग्राम अधिक गेहूं अब खरीद सकता है, इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि आपका जो खर्च है वो अपरिवर्तित है, और जब खर्च अपरिवर्तित होता है तो इसका मतलब यहां पर सीपीआर हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर मूल्य में कमी होगी तो सीधी सी बात है, अगर खर्च को कांस्टेंट रखना है तो आपको खपत क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अगर ये बढ़ेगा तो खपत घटेगा, अगर ये घटेगा तो खपत बढ़ेगा। तो कैसे बढ़ता है खपत, ध्यान दीजिएगा, अगर ये 1 कम हो रहा है तो आप 1 कम कर दो 5 से, तो 5 में से, तो आपका आएगा 1/4, इसका मतलब 1/4 मुझे खपत को बढ़ाना पड़ेगा। अब इस 1/4 में ये आपका प्रारंभिक खपत है और ये 1 बढ़ने वाला है, 1 क्या है, बढ़ने वाला है। इसका मतलब यहां से हमें क्या पता चला कि जो ये बढ़ रहा है 1 यूनिट खपत, किसको हम व्यक्त करते हैं, केजी में व्यक्त करेंगे, ठीक है। तो 1 यूनिट जो बढ़ रहा है वो किसके बराबर है, 5 किलोग्राम, 5 केजी, मतलब 1 यूनिट आपका 5 केजी के बराबर है। अगर मैं पूछूंगा शुरुआत में वो कितनी खपत कर रहा था, तो आप बोलोगे भाई 4 यूनिट की वैल्यू निकालना पड़ेगा क्योंकि ये प्रारंभिक खपत है, तो 1 यूनिट बराबर 5, तो 4 यूनिट बराबर 4×5, इसका मतलब 20 केजी। तो क्या क्या क्वेश्चन बनता है ये भी ध्यान सुनिएगा, आपसे यहां पर यह भी पूछता है कि प्रारंभिक खपत क्या होगी, तो प्रारंभिक खपत 20 केजी होगी, शुरुआत में वो कितनी खपत करता था, 20 केजी गेहूं की वो खपत करता था, कंजम्पशन करता था। आपसे ये भी पूछ सकता था वर्तमान खपत अब क्या वो करेगा, तो सीरीज बात है, पहले अगर 20 कर रहा है अब आपके खपत में क्या होने लगी, क्योंकि मूल्य घट गया, जैसे होता नहीं कि आप देखते हैं कि टमाटर का दाम एक समय इतना ज्यादा बढ़ जाता है तो आप कहीं ना कहीं खपत में कमी कर देते हैं, लेकिन जैसे ही मूल्य में कमी आती है तो आप वही चीज ज्यादा लेना स्टार्ट कर देते हैं, वही कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब मूल्य में जब कमी हुई तो 5 केजी वो अधिक खपत करने लगा, ठीक है, पैसा कम हो गया था, तो वर्तमान खपत कितना हो जाएगा, 25 केजी। तो दो क्वेश्चन का आंसर मिल गया खपत के रूप में। अब यहां से मूल्य के रूप में दो चीज आपसे पूछता है, जो आपसे पूछा भी है, प्रारंभिक मूल्य भी पूछता है आपसे और वर्तमान मूल्य भी पूछता है, तो बड़ा आसान है, ध्यान दीजिएगा। अगर प्रारंभिक मूल्य पूछा है, क्या पूछा है, प्रारंभिक मूल्य अगर पूछा है तो कुछ नहीं करना है, जो आपका दिया है ना पैसा 320 रुपए जो दिया है प्रारंभिक मूल्य में निकालते समय, तो 320 में प्रारंभिक खपत जो है उससे डिवाइड कर दीजिए 20 से, तो ये कितना जाएगा 16 रुपए, कितना जाएगा 16 रुपए पर केजी, 16 रुपए पर केजी, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है।
जैसे आपका यहां पर दिख रहा होगा ए ऑप्शन। अगर आपसे वर्तमान खपत पूछता तो वर्तमान में कोई भी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि अगर प्रारंभिक रुपए आ चुका है, प्रारंभिक मूल आ गया है, तो यहां बोला भी था गेहूं के मूल में 20% कमी होने पर। अब इसका 20% कम कर दो, और 20% अगर आप कम करोगे तो कितना आएगा 3.2। अगर मैं 3.2 कम करूंगा तो हमारा आंसर कितना जाएगा बताइए, 12.8 कितना जाएगा, 8 आ जाएगा, क्योंकि 20% अगर आप कम करोगे तो इसका मतलब 12.8 रुपीज पर केजी इसकी वर्तमान मूल्य हो जाएगी। क्या ऑप्शन है, वो ऑप्शन तो है ही नहीं। तो दो चीज पूछता है, ये वर्तमान मूल्य आ गया, ये आपका प्रारंभिक मूल हो गया। तो चार क्वेश्चन यहां से बनते हैं, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा कहीं कमी लगी हो समझने में, या कहीं पे आपको कम समझ में आया हो, तो फिर से आप दोबारा वीडियोज को देख सकते हैं। आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 6, इसका ऑप्शन था आपका क्या, 5th का ऑप्शन था ए। और यहां पर ये सीधे सीधे दिया ना, गेहूं का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या है, तो रुपीज पर केजी में आएगा। कितने समय में कोई धनराशि साधारण ब्याज की 15% वार्षिक दर से दुगनी हो जाएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए पी है और ए है, प्रिंसिपल आपका है, ठीक है, प्रिंसिपल मूलधन और अमाउंट मतलब मिश्र धन। तो एक से ये कितना हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है, कितने रेट से, 15% की रेट से, ठीक है। या ऐसे समझ सकते हैं, पहले 100 था मूलधन, अब 200 हो गया, तो कितना ब्याज बढ़ा, बस सीधी बात है, 100 ब्याज बढ़ गया, कितने की रेट से, 15%, ठीक है, 15%, इसका मतलब 100% से 200% हुआ, तो 100% की वृद्धि हुई। अगर 15% की रेट से अगर हम देखें, क्योंकि परसेंट कट जाएगा, इसको अगर आप भाग दोगे तो 6 से ही 2/3 समय आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6/2/3 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है बात। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हैं, आसान बना सकते हैं, क्योंकि 15% क्या बताता है, 1 साल का। अब अगर मुझे 100 अगर हमारा ब्याज बढ़ रहा है, तो हमें यह पता चलेगा 15 पहले साल, दूसरे साल भी 15, तीसरे साल भी 15। अब ऐसे करके तो जोड़ेंगे नहीं, इसीलिए मैं डायरेक्ट 100 जो आपका रेट ऑफ जो ब्याज है, साधारण ब्याज है, और उसमें मैंने 15 से डिवाइड किया, तो मुझे ये पता चल जाएगा कितने साल का ये आपका ब्याज है, तो कितना जाएगा, 6/2/3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पर, क्वेश्चन नंबर 7, यहां पर आपको बताना है मासापा, क्या बताना है, मासापा, यहां पर अगर आप ध्यान दें, 511, 513 और 515 का SCF आपको बताना है। मासा का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसी को हम GCD भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सीधी बात है, 511 है, ध्यान दीजिएगा, 511 है, 513 है और 515 है, ठीक है। मासा पर जब आप निकालते हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको उन दो संख्याओं का चुनाव करना होगा, सिलेक्शन करना होगा, जिनके बीच का अंतर सबसे कम हो, जिनके बीच का अंतर सबसे कम हो। तो अगर आप ध्यान से देखें, यहां पर सभी के बीच का अंतर, इनके बीच का डिफरेंस 2 है, इनके बीच का डिफरेंस 2 है, इसमें 4 का है, तो जो सबसे कम अंतर होगा, तो किसी को भी आप ले सकते हो। इसका जो हमारा SCF होगा ना, जो हमारा SCF होगा, वो आपका कभी भी 2 से बड़ा नहीं हो सकता। ये लॉजिक है, ध्यान दीजिएगा, जब भी आपका जो दो संख्याएं होंगी जिसका आप सिलेक्शन किए हैं, सेलेक्ट किए हैं, अगर उनके बीच का अंतर सबसे कम है, वो कितना है, यहां पर 2 है, तो कभी भी आपका SCF इससे ज्यादा नहीं हो सकता। जब आप ये लॉजिक पे चलते हैं, तो हमारा बी और डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। क्लियर है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ करना नहीं, बस समझाने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे थोड़ा और अच्छे, तो वहां पर ये लॉजिक काम आएगा। आप बताइए, या तो 2 होगा या तो 1 होगा। अब 2 कब होगा ये भी सुनिएगा, अगर 2 आ रहा है, तो 2 आने की शर्त यही है कि 2 जो होगा इन सभी संख्याओं को विभाजित करना चाहिए। अगर इन दो सभी संख्याओं को विभाजित करेगा, तभी हमारा आंसर 2 होगा SCF के रूप में। अगर नहीं कर रहा है, तो 2 का कोई ना कोई फैक्टर होगा। अब 2 का फैक्टर क्या होगा, ये भी एक अभाज्य संख्या है, तो इसका फैक्टर या तो 1 होता है या तो खुद यही होता है। जब 2 है नहीं, तो इसका मतलब SCF क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है, आसान सा है क्वेश्चन, वैसे यही देखने के भी लग रहा था, डिफरेंस 2 है भाई, ये 2 से कट ही नहीं रहा, इसका मतलब SCF एक ही चारा बचा, ये हमारा जो SCF होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, SCF आपका 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पर, ये भी आपका
एचसीएफ एलसीएम का ही क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ का, ठीक है। तो यहां से आप इसको आपको बताना है यहां से आपका आंसर क्या रहा है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है तथा उनका मासापा एचसीएफ 13 है तो ऐसे युग्म में जोड़े कितने संभव होंगे। यहां पर दो पॉइंट मैंने इसके पहले भी आपको पॉइंट्स बताए थे, इसको नोट भी कर लेना है। क्या एक तो एलसीएम अपॉन एचसीएफ जो होता है ये आपका ए बी होता है, ए बी जो होता है सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। दूसरी बात, जब भी अगर आपके पास दो संख्याओं का गुणनफल हो, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके हमेशा एलसीएम एचसीएफ में काम आएंगे। अगर दो संख्याओं का गुणनफल है तो वहां पर आपको इसमें एचसीएफ के स्क्वायर से जब आप भाग देते हो तब भी आपका क्या आता है, सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल। ये दोनों ही फार्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। कहीं भी अगर दिक्कत हो तो इनको तो याद करना ही है, अपने आप आपका काम बन जाएगा, आंसर तक पहुंच जाएंगे ऑटोमेटिक, ठीक है। अब सहभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा क्या होता है, एक ही होता है, ये भी एक आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसको देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल है तो इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 2028, इसमें आपको भाग क्या देना है 13, मतलब 13 के स्क्वायर से भाग देना है, 13 के स्क्वायर से, मतलब दो बार भाग देंगे तो क्या आएगा, ए बी आएगा। तो यहां से इसको जब आप भाग देंगे तो ए बी की वैल्यू कितनी आ रही है, देखिएगा ध्यान से, 13 कम 13, 13 पचे 65, 13 छंग 78, फिर 13 से भाग देंगे, 13 कम 13, 13 दूनी 26, मतलब ए बी बराबर आ गया 12, ए बी बराबर 12 आ गया। तो ऐसे कितने पेयर संभव हैं, अब आपको यहां से बताना है। तो ए और बी अपने साथ सोचिए, तो जब भी इनटू में होता है तो सबसे पहला एक पेयर को तो आपको भूलना ही नहीं है, 12 दिख रहा है ना, 12 गुड़े 1, तो वो 12 गुड़े 1 हमेशा बनेगा, जो भी संख्या रहेगा गुड़े 1 जरूर बनेगा। तो पहला पेयर तो ये बन गया। अब आपको पता है 6 दूनी भी 12 होता है, लेकिन 6 2 हम बना नहीं सकते क्योंकि उनका एचसीएफ 1 नहीं रहेगा, उनका एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसीलिए 6 2 नहीं ले सकते। ए बी का मतलब होता है जो भी आप नंबर लोगे उनका एचसीएफ आपका 1 होना चाहिए, तो इसका मतलब हम क्या लेंगे, आप 3 और 4 ले लेंगे। और बताइए और क्या क्या यहां पर पेयर आपका बन सकता है। फिर उसके बाद मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां पर अगर ध्यान दे, 6 दूनी 12 भी बनता है, 4 3 12, 12 1 कम 12, ठीक है, 6 2 ले नहीं सकते थे, तो यहां पर सिर्फ आपके यही दो पेयर बन पाए, इसका मतलब यहां पर जो जोड़ों की संख्या होगी वो क्या होगी, 2 होगी। काफी लोग 1 भी लगा बैठते हैं क्योंकि वो इनको इसको इग्नोर कर देते हैं 12 1 को, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो यहां आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, छोटा सा है लेकिन अगर आप ध्यान से अगर देखेंगे तो बहुत कुछ सीख सकते हैं यहां से। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर आप तरीका क्या है, इसके तरीके में बहुत सारी चीजें यहां पर मैटर से, या तो पूरा मल्टीप्लाई करो, वैसा तो करना नहीं है क्योंकि करेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी क्योंकि स्क्वायर भी नहीं है, ये आपका क्यूब है। क्या है, ये आपका क्यूब है। तो यहां पर आप डिजिट सम अप्लाई कर सकते हैं, डिजिट सम भी अप्लाई कर सकते हैं। डिजिट सम बताने के बाद मैं आपको एग्जाम वाला अप्रोच बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और फिर आप डिसाइड करिएगा इन दो अप्रोच में सबसे बेस्ट कौन था, ठीक है। वैसे देखा जाए तो ये सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है, कैलकुलेशन का पार्ट है, लेकिन यहां पर हम नंबर सिस्टम, आपके किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो संख्या पद्धति एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपकी मैथ्स बहुत ही आसान हो जाती है। मतलब मैं बहुत सारे जो अस्त्र शस्त्र की बात करता हूं आपके कैसे एग्जाम में अप्लाई करना है, वो सारी की सारी कहां से निकल कर आई है, जनरली ज्यादातर आपके केसेज में नंबर सिस्टम ही वो ऐसा पार्ट है जहां से बहुत सारे अस्त्र शस्त्र निकल कर आए हैं, ठीक है। तो उसी के पार्ट से मैं यहां पर इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करूंगा और ध्यान से देखते चलिएगा। तो डिजिट सम की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर अगर आप ध्यान दें, 9 से 9 9 9 कट जाएगा, 7 का क्यूब क्या होता है 343, तो 343 का डिजिट सम कितना आएगा, 4 3 7 7 3 10, इसका डिजिट सम 10, इसका 10 आया, फिर इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 1। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो डिजिट सम आ रहा है 1 आ रहा है, तो हमारे आंसर का भी डिजिट सम क्या आएगा, 1 आना चाहिए, ठीक है। चेक किया जाए, काफी बड़ी संख्या है क्योंकि चेक करने में भी टाइम जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। आसान तो था, होता जाएगा जल्दी, लेकिन उसके अलावा भी हम लोग तरीका देखेंगे यहां पर, ठीक है।
फिर आप बताइएगा कौन सा बेस्ट है। 9 9 कट गया, 9 9 यहां से कट गया, देखिए और 6 2 8 1 9 ये भी 9 गया, 7 3 10 मतलब यहां से 1 आ रहा है, तो इसके चांसेस हैं, इसके चांसेस हैं। आगे बढ़ा जाए, अब यहां से अगर आप ध्यान दें तो यहां पर आपको अब पूरा चेक नहीं करना है, क्योंकि अगर ऊपर को अगर आप टैली करो, ऊपर को अगर आप टैली करो तो अपने आप आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां पर आपका डिजिट सम 1 नहीं बन रहा होगा। कैसे? क्यों? देखिए 9 6 ये उल्टा हो गया, बस 7 की जगह क्या हो गया है, 7 की जगह 8 हो गया, तो 1 बढ़ गया होगा, 2 हो गया होगा, तो 2 तो चाहिए नहीं था, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब यहां पर देख लो, यहां देखिए 2 2 4 8 4 12 ठीक है, या ऐसे देखिए 8 1 9 को काट दीजिए, 6 3 9 को काट दीजिए, ये 9 बज कट गया, 3 बज गया, यहां से 3 बचा तो ये भी आंसर नहीं होगा। यहां से देखते हैं 6 2 8 1 9 8 1 9 यहां भी 9 कट गया, 3 बज गया, ये भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या था, ए ऑप्शन। तो डिजिट सम से आपने ये लगाया, ठीक है, क्लियर। अब थोड़ा समझिएगा, क्या इससे भी बेस्ट हो सकता है, इससे भी बेस्ट हो सकता है। अब आप थोड़ा सा लॉजिक के बेस पे यहां पर आइए, यहां पर जैसे यूनिट डिजिट तो आप आराम से निकाल लेते हो, ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं यहां से लास्ट टू डिजिट कितनी आएगी, लास्ट टू डिजिट कितनी आएगी, तो लास्ट टू डिजिट पर अगर आप ऑप्शन पर ध्यान दें, क्योंकि यूनिट डिजिट पर भी अगर आप फोकस करते हैं तो सभी जगह 3 3 3 है, ठीक है, तो लास्ट टू डिजिट के लिए हमें क्या करना होगा, तो लास्ट टू डिजिट में अगर आप ध्यान दें, यहां 93 यहां 93 यहां 83 यहां 73 है, तो इसके लिए क्या तरीका होता है ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप 997 × 9 क्योंकि क्यूब है, मैंने 3 बार लिखा। अगर हमें यूनिट डिजिट निकालनी होती है, यूनिट डिजिट निकालनी होती है, वैसे तो आपको इसका जरूरत नहीं पड़ता, आप डायरेक्ट निकाल लेते हो, लेकिन 2 3 बातों का ध्यान रखिएगा, अगर यूनिट डिजिट निकालनी है तो आप 10 से भाग दो, 10 से भाग देकर रिमाइंडर के थ्रू आप चेक कर सकते हो। अगर लास्ट टू डिजिट निकालनी है तो आपको क्या करना होगा, आप लास्ट टू डिजिट पे काम कर सकते हैं, लास्ट टू डिजिट मतलब 100 से, भाई सीधी बात है, लास्ट टू डिजिट करूंगा तो मुझे सिर्फ इस 2 से मतलब है, लास्ट टू से मतलब है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूंगा और तब आपको 100 से डिवाइड करना होगा, ठीक है, अगर लास्ट 3 डिजिट पर अगर मुझे निकालना हो, किसी बड़ी संख्या में लास्ट 3 डिजिट पता करना होगा, तो 1000 से आपको भाग देना होगा, इसका मतलब अगर मुझे लास्ट 2 डिजिट निकालना होगा तो मैं 100 से भाग दूंगा। देखिए ये समझाने में टाइम लग रहा है, ये चीज आप डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर बोलूंगा 997 में अगर मैं 100 का भाग दूंगा, ठीक है, 100 का अगर भाग दूंगा तो डायरेक्ट आप बताओ यहां से क्या -3 आएगा, क्या -3। अब बोलेंगे सर ये माइनस कैसे आ रहा है, समझिएगा ध्यान से, या एक काम करते हैं थोड़ा सा और समझिएगा, अगर मुझे लास्ट टू डिजिट निकालनी है ना तो इसका कोई मतलब नहीं है, किसका, ये जो 9 है ना तीसरा वाला, तीसरे अंक का कोई मतलब नहीं है, तीसरे अंक का कोई मतलब नहीं है, कहने का मतलब मुझे अगर लास्ट टू डिजिट निकालनी है तो मुझे 997 में इस 9 से मतलब नहीं है, मैं सिर्फ 97 पे भी काम करके लास्ट टू डिजिट निकाल सकता हूं, क्लियर। अब देखिएगा अगर मैं 100 से भाग दूंगा तो 100 का भाग इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, और रिमाइंडर पे हम लोग काम कर रहे हैं, जो बचेगा वही हमारा पता चल जाएगा लास्ट टू डिजिट क्या नहीं है, तो जब 100 से भाग देंगे तो ये 97 डायरेक्ट रिमाइंडर आ जाएगा। लेकिन एक तरीका और है, अगर मैं बोलूं 100 1 कम 100 तो आपका रिमाइंडर माइनस में चला जाएगा, तो यहां से आपका आएगा -3, यहां से भी क्या आएगा -3, यहां से भी क्या आएगा -3, तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यह आएगा -27 और जब भी -27 में आता है तो आपने रिमाइंडर में शेषफल में पढ़ा होगा, जो भी भाजक होता है, जो भी डिवाइजर होता है उसको उसमें जोड़ देते हैं, एक्चुअल में वही आपका रिमाइंडर आ जाता है, तो हमारा जो आ गया क्या आया 73, और एक्चुअल में जो रिमाइंडर आया है यही आपका लास्ट टू डिजिट भी होता है। ये शायद आपको कुछ बातें नहीं पता चल रही होंगी, नहीं नहीं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप ध्यान से देखिए, तुरंत आपने सेकेंडों में ये क्वेश्चन को लगा लिया, डिजिट सम के से भी जल्दी लगा लिया, तो वैसे तो डिजिट सम भी बेस्ट था लेकिन ये भी आपका कम नहीं है, ठीक है। तो ये लास्ट टू डिजिट का अप्रोच था जो आपको पता होना चाहिए, और मैंने इसका जिक्र भी किया था कि जो भी मैं आपको बताने वाला हूं यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट, लास्ट टू डिजिट से कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, डिजिबिलिटी रूल हो गया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया, उसके अलावा डिजिट सम का हो गया कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजें, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल हो गया, तो सारी चीजों का मैं आपको अच्छे से यूज करा रहा हूं। उसके अलावा अप्रोक्सीमेशन टेक्निक हो गया, ऑप्शन से कैसे हम लोग जाकर आसान कर रहे हैं, तो हर आप एक अस्त्र शस्त्र का यूज करना सीख रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो क्या है, ए है।
चलिए तो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, तो इसको तो ऐसे ही आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 14 × 15 डायरेक्ट आप बता दो, 14 × 15 कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 225 में से 15 अगर हम कम कर देंगे तो कितना आएगा 210। अब आप चाहे तो बोलते हैं ना बोर्ड मास रूल है, तो बोर्ड मास में क्या होता है, बी फॉर ब्रैकेट हो जाएगा, ओ फॉर ऑफ हो जाएगा, फिर डिवीजन आ जाता है। तो फिलहाल आप डिवीजन भी करोगे तो उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि डिवीजन जब आप करोगे इस पे करोगे, ये तो अभाई आपका सेपरेटली है ना, इसको तो मल्टीप्लाई करना ही करना है, ठीक है। तो पहले आप इसी को कर लो, तो 23 का अगर आप इसमें डिवाइड करोगे देखिए कितना आएगा, 23 कितना जाएगा, ये आपका आएगा 23 × 46 और 23 × 23, तो 210 − 21 अगर आप सॉल्व करते हो तो ये कितना जाएगा 189। समझ में आ रहा है, और 189 में अगर मैं इधर लेकर आऊंगा तो प्लस 100 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 289, x की वैल्यू कितनी आएगी 289। सभी लोग चेक करते रहिएगा अपना, जो आंसर होगा ए ऑप्शन आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पर, क्वेश्चन नंबर 11। ऐसे क्वेश्चन तो आपने कई बार किए हैं, अब उम्मीद करता हूं कि ऐसे क्वेश्चन को अब आपको आसानी से सॉल्व कर लेना चाहिए, लेकिन अब भाई मैं डिस्कस कर रहा हूं तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, तो इसको आप देख भी लीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है दो कार ए तथा बी क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 108 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से एक शहर से दूसरे शहर की ओर जा रहे हैं, यदि यात्रा में कार बी कार ए की तुलना में 2 घंटे कम समय लगाती है तो दो शहरों के बीच की दूरी, सीधी बात है दूरी क्या है कॉन्स्टेंट, अगर दूरी कॉन्स्टेंट हो जाती है तो आपको भाई इतना पढ़ ही चुके होंगे तो आपको अब अच्छे से आइडिया लग गया होगा, ए तथा बी, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, ए तथा बी दूरी कांस्टेंट है तो चाल और समय में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रेशियो होता है, आपको अच्छे से पता है। तो जो चाल का रेशियो आएगा वो क्या जाएगा, ए का 60 है और बी कितने जा रहा है 108, ठीक है, इसका रेशियो निकाल लें तो किससे काट दिया जाए, यहां पर अगर आप ध्यान दें 4 से काट देते हैं, 4 × 5 = 20, 4 × 2 = 8, 4 × 7 = 28, फिर 3 से काट दीजिए, 3 × 5 = 15, 3 × 9 = 27, इसके अलावा 5 और 9 का रेशियो स्पीड का बन रहा है, चाल का बन रहा है, तो समय में क्या करेंगे, समय में आप उल्टा कर देंगे, 9 और 5 का रेशियो बनेगा, 9 और A और B क्या होगा, 9 और 5 का रेशियो बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर जो दिया है यात्रा में जो कार जो बी है ए की तुलना में 2 घंटे कम समय लगाती है, मतलब ये 5 है ये 9 है, तो भाई सीधी बात है ये कम समय ले रही है, तो कितना कम समय ले रही है एक्चुअल में यूनिट के वाइज से, तो अगर आप देखेंगे तो आपको यहां से ये पता चला कि 4 यूनिट कम समय ले रही है ए के कंपेयर में, क्योंकि ये एक्चुअल डेटा नहीं है, एक्चुअल क्या है 2 घंटे, तो 4 यूनिट जो होगा 2 आवर के बराबर है, ठीक है, आवर के बराबर, तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा हाफ। पूछा क्या है लास्ट में, चलिए पूछा है जो आपसे लास्ट में यहां पर पूछा है कि दो शहरों के बीच की दूरी आपसे पूछा गया है, तो सीधी बात है यहां से सबसे पहले एक्चुअल में हम लोग टाइम निकाल लेते हैं। अब दूरी अगर कांस्टेंट है तो आप चाहे यहां से टाइम निकाल कर, भाई बताए ना चाल गुड़े समय से भी आप निकाल सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल गुड़े समय से भी दूरी वही आएगी, और चाहे तो आप इसका भी यूज करके कर सकते हैं, लेकिन चाल गुड़े जब आप समय करते हो तो इस 5 का यूज ना कर लीजिएगा, एक्चुअल में जो चाल था उसका आप यूज करिएगा, नहीं गलत हो जाएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। तो फिलहाल 1 यूनिट बराबर 1/2 आवर है, तो ये 9 यूनिट बराबर क्या जाएगा 9/2 घंटे, मतलब ए को उस यात्रा को कंप्लीट करने में कितना घंटे लग रहा है 4.5 घंटे। अब इसी का मल्टीप्लाई मैं 60 में कर देता हूं तो ये आपका क्या जाएगा दूरी आ जाएगी, तो दूरी बराबर क्या जाएगा 60 × 9/2, 2 से काट दीजिए तो 30 और 9 × 3 कितना जाएगा 270 किलोमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा 270 किलोमीटर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा आंसर क्या आ रहा है बी ऑप्शन, यहां से भी आप कर सकते थे, यहां से 5/2 आ जाएगा तो 108 × 5/2 कितना आ जाएगा, तब भी आपका 270 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12,
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लेना इस पे, ठीक है। 12 का है, ए अपना लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पर और बी क्रय मूल्य पर निकालता है। तो उन्होंने देखा कि लाभ का अंतर कितने का है, 100 रुपए का है। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो और दोनों 25% लाभ प्राप्त करते हो, कितने का 25% लाभ प्राप्त करते हैं, तो विक्रय मूल्य आपको यहां से बताना है। यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्या विक्रय मूल्य यहां पर समान है, विक्रय मूल्य समान है। अब देखिए इसको समझिएगा ध्यान से, यहां पर मैं आपको अच्छे से इसको समझाता हूं और थोड़ा सा टाइम लेकर, जिससे आपको अच्छे समझ में आए। ए और बी दो चीजें, ठीक है। ए अपना लाभ प्रतिशत, मतलब दो वस्तुएं होंगी। ए अपना लाभ प्रतिशत किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहा है, विक्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में निकाल रहा है। और जनरली किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पर निकलता है। लेकिन जब बोल दिया है तो आपको विक्रय मूल्य के ही रेस्पेक्ट में उसको देखना पड़ेगा। और बी किस में निकाल रहा है, सीपी पे, और लाभ हो रहा है। तो मैं यहां पर ऊपर कॉलम में, यहां पर आप लिख लीजिए, यहां पर क्या सीपी एक साइड, यहां एसपी लिख लीजिए और यहां प्रॉफिट मतलब पी लिख लीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो 25% है इसको आप फ्रैक्शन में बदल दो। तो पहले ये देखिए कि आपका जो लाभ है, जब भी लाभ होता है, जैसे कि मैंने बताया भी है, हमेशा एसपी क्या होता है, ग्रेटर देन सीपी होता है। एसपी क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन सीपी होता है। तो ये बताइए, चार जो हमारा होगा ये क्या बता रहा होगा, चार आपका एसपी बता रहा होगा। क्यों, क्योंकि बोला है ना ए अपना विक्रय मूल्य पर, ये विक्रय मूल्य के रेस्पेक्ट निकाल रहा है। तो चार यूनिट क्या होगा, एसपी होगा एक रेस्पेक्ट में, ठीक है। और अगर एसपी बड़ा है, अगर एसपी बड़ा है तो सीधी सी बात है सीपी आपका कितना रहा होगा, बड़ा तो हो नहीं सकता, सीपी एक यही कम होगा। और ये एक क्या बता रहा है, ये एक आपका लाभ बता रहा है। जब आप बी की बात कर, बी पर बात करेंगे तो अब ये क्रय मूल्य बन जाएगा, इसका मतलब बी क्या हो जाएगा, ये चार हो जाएगा। और एसपी अभी भी बड़ा होगा, ये ध्यान रखिएगा, कभी भी याद नहीं करना है। जब ये पता रहेगा लाभ हो रहा है तो एसपी बड़ा आप सोचोगे, अपने आप आपकी सारी चीजें बनती चली जाएंगी। तो 5-4 हो गया, तो लाभ तो दोनों में क्या है, एक का ही है। ये हमारा बन गया स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर बन गया। अब इस लाइन का यूज करते हैं, विक्रय मूल्य समान। यहां पर अगर आप ध्यान दें, यहां 4 है, यहां 5 है, क्या यहां विक्रय मूल्य समान है, यहां विक्रय मूल्य समान नहीं है। तो 4-5 को समान करने के लिए मैं इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें किससे कर दूं, 4 से। और जब इसमें 5 से करूंगा तो इस पे भी फर्क पड़ेगा, सीधी सी बात है। अगर मैं इसमें 5 से किया तो इसमें भी 5 से करना पड़ेगा, इसमें भी 5 से करना पड़ेगा, इसमें 4 से किया तो इसमें भी 4 से करना पड़ेगा और इसमें भी 4 से करना पड़ेगा। इसका मतलब हमारा जो एसपी हो जाएगा वो आपका 20 यूनिट हो गया, ये यूनिट में चल रहा है, यूनिट में। और जो हमारा प्रॉफिट है वो आपका 5 और यहां से क्या रहा, 4। अब इस लाइन का यूज करेंगे, लिखा है ना, उन्होंने देखा कि लाभ का जो अंतर है वो कितना है, 100 रुपए। और यहां पर देखिए लाभ का अंतर कितना है, 5 में से 4 गया, अंतर मतलब इनका डिफरेंस, ये लाभी तो है। तो एक यूनिट कितने के बराबर, एक यूनिट 100 रुपए के बराबर, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य कितना निकालना, 20 यूनिट। तो एक यूनिट अगर 100 रुपए के बराबर तो 20 यूनिट कितना हो जाएगा, 20 गुणे 100 कितना जाएगा, 2000 रुपए। कितना होगा, 2000 रुपए आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ऐसे ही कुछ चीजें चेंजेज करके, कभी क्रय मूल्य को बराबर करवाएगा, कभी इसको दुगना कर देगा, तो इसी तरीके से आप बनाकर कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, यह अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसको आप ध्यान से देखिएगा, लिखा है 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है, तो उसमें आपको यह बताना है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो कभी भी अगर क्रमागत विषम संख्या है, इसका औसत अगर 49 है, तो सीधी सी बात है जो 41 लगातार संख्याएं हैं, कौन सी विषम वाली, तो जो 49 होगा ना, 49 हमेशा आपका बीच में होगा, क्योंकि जो भी औसत होता है वो बीच में होता है। और 41 अगर क्रमागत संख्या है तो इसका जो पोजीशन होगा कौन सा होगा पता है, 21वां पोजीशन होगा। कैसे भाई, 20 इधर होगा, 49 के इधर होगा, और 20 संख्याएं 49 के इधर होंगी, तभी तो 41 बनेगा ना, तभी ये तो बीच में आएगा। अब आपको जल्दी से पहुंचना है सबसे बड़ी संख्या में, कैसे पहुंचेंगे, एक बार में। अब ऐसे लिखने तो नहीं बैठेंगे ना, 49 51 53
काफी लोग इस तरीके से करते हैं। अब आपको पता है कि अगला जो नंबर है 51 है, इनके बीच का अंतर कितना है, 2 का है। क्लियर है, मुझे डायरेक्ट बड़ी संख्या तक पहुंचना है और डायरेक्ट मुझे छोटी संख्या तक पहुंचना है, तो मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा। मुझे क्या करना होगा, जब इधर 20 है तो 20 ऐसे लिख लीजिए, इनके बीच का गैप कितने का है, 2 का है। इन दोनों नंबर, सभी नंबरों के बीच का गैप क्या है, 2 का है, तो कितना आया 40। यही 40 आप जोड़ दो, 49 में यही 40 जोड़ दोगे तो हमारी सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। इसका मतलब जो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 89। अगर यही 49 में 40 घटा देंगे तो हमारी सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ये सारी चीजें ध्यान सुनते चलिएगा। यहां पर एक दो चीज और पूछता है, वो भी मैं बता दे रहा हूं। आपसे ये भी पूछ सकता था कि छोटी और बड़ी संख्या का योग क्या होगा, छोटी और बड़ी संख्या का योग क्या होगा। जब ऐसा पूछेगा तो औसत का आप दुगना कर देना, औसत का दुगना कर देना, ये भी पूछा गया है। आंसर क्या जाएगा, 98 आ जाएगा, 98 आ जाएगा। और अगर अंतर पूछेगा तो अंतर में कुछ नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, अंतर तो और आसान हो गया, अंतर में तो ये सब कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है। 41 है ना, इससे एक कम कर दो, और ये विषम संख्या तो गैप कितने का होता है, 2 का होता है। तो यहां पर बड़ी और छोटी का अगर आपसे अंतर पूछेगा तो इससे एक कम करना और उसका दुगना कर देना है, क्या जाएगा, 80 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर आइए। क्वेश्चन नंबर जो 14 है, लिखा है 50 छात्रों के किसी परीक्षा में औसत अंक 65 थे, ठीक है। बाद में ऐसा पता चला कि किसी छात्र के अंक 38 के बजाय क्या हो गए, 83 हो गए। यहां से आप कुछ चीज समझिएगा ध्यान से, अगर ये अंक आपस में पलट जाते हैं, ठीक है, ये नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट है और आगे शायद एक क्वेश्चन इस पे मिलेगा भी, मैं आपको दिखाऊंगा भी, तो बड़ा आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए। अब सुनिएगा, अब लैंग्वेज को समझिएगा। औसत अंक कितना है, 65, औसत ऐसे लिखना है बस, कुछ भी गुणा भाग नहीं करना है, कुछ भी घटाना और नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब ध्यान रखिएगा यहां पर क्या हुआ कि 38 के बजाय 83 जोड़ दिए गए थे, 38 के बजाय क्या जोड़ दिया गया था, 83 जोड़ दिया गया था, मतलब उसको 38 जोड़ना था लेकिन उसने 83 जोड़कर 83 जोड़कर औसत निकाला। तो फिर पूछा क्या है, आपसे पूछा है सही औसत क्या होगा, मतलब अब 83 जो यूज किया था अब यूज क्या करेगा, 38 यूज करेगा सही वाला, तो औसत क्या होगा। तो पहले तो एक लॉजिक ये समझिएगा, जब वो कम यूज करेगा तो औसत में क्या आएगी, कमी आएगी कि वृद्धि आएगी, तुरंत ये सोचना है। तो इसका मतलब तुरंत आप समझ जाएंगे इसमें कमी आ रही होगी, इसका हमारा जो आंसर होगा, तुरंत आपकी निगाह ऑप्शन पे जानी चाहिए, हमारा जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, 65 से कम आना चाहिए, और जो भी 65 या 65 से ज्यादा हो रहा होगा उसको एलिमिनेट कर दीजिएगा। लेकिन फिलहाल सारे ही ऑप्शन क्या है, 65 से कम है। अब कैसे जल्दी करना है, अब ये आता है नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट। यहां पर इसका आपको देखना पड़ेगा कितने का गैप, मतलब जो इसका गैप होगा वही फर्क डाल रहा होगा, और गैप निकालने में कुछ लोग इसको घटाते हैं, 83 - 38 घटाएंगे। आप यहां से डायरेक्ट कर सकते हैं, जब संख्या आपस में बदल जाती है तो इसके बीच का अंतर देख लीजिए, किसके बीच का, 8 और 3 के बीच का अंतर कितना है, 5, और गुणे 9 कर लीजिए, 9 × 5 = 45। अब ये क्या होता है, क्यों होता है, ये लास्ट में एक क्वेश्चन ऐसा है भी, तो वहां पर मैं आपको थोड़ा सा सिखा दूंगा, आपको समझ में भी आ जाएगा तुरंत तुरंत, आपको अंतर में गलती नहीं होगी। 9 × 5 = 45, इसका मतलब ये 45 जो आया यही 45 आपका फर्क डालेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, जो 45 होगा ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें, पूरे पूरे 50 छात्रों में, इसका मतलब 45/50, यही आपको उसको सॉल्व कर लेना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अब कुछ लोग क्या करेंगे, 5 से इसको ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, ठीक है, चलिए अच्छी बात है, आपने किया 9/10, 0.9 आ गया। लेकिन थोड़ा अगर आप सोचें ध्यान से, अगर मैं इस 50 को 100 बना लूं
50 गुड़े 200 बन गया, तो इसको भी गुड़े 2 करूंगा कितना आएगा 90 आ जाएगा, तो 90 बटे 100 कितना जाएगा 0.9, ऐसे भी समझ सकते थे। तो 65 माइनस 0.9 कितना जाएगा 64.1, यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पर, और ऐसा क्वेश्चन तो भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहां पर जो आपका आंसर होगा, यहां पर आप क्वेश्चन को देखें और तुरंत आप आंसर बता सकते हैं। यहां पर हमारा आंसर क्या होगा 18 होगा, क्या होगा 18 होगा। अब ये कैसे होता थोड़ा समझिएगा ध्यान से, यहां पर आपसे 2-3 चीज और पूछेगा, वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा, ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट। स्टार लगा लेना फिर से। यहां पर क्या करना है, 9 माइनस 4 रूट 5 है, तो आपको इसका 1/x निकालना होता है, तो कुछ नहीं निकालना है, आप डायरेक्ट क्या करना है 1/x का मतलब रेसिप्रोकल करना, इसका प्रमेयकरण करते हैं, कुछ टाइम ज्यादा लगता है, तो आप इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे उसमें मैं बात कर रहा हूं। तो जब भी अगर x+1 अगर निकालना है, x+1/x डायरेक्ट निकालना है, तो क्या करना है यहां पर कि आप इसका स्क्वायर कर लो, 9 का स्क्वायर 81, इसका स्क्वायर कर लो 4 रूट 5 का, और इसको माइनस कर लो, तो 4 चौक 16 और 16 पंजे 80, तो इसका डिफरेंस कितने का आया 1, इसका डिफरेंस 1 का आया। तो आपको क्या करना है कि जो भी ये नंबर होगा, अगर मुझे x+1/x निकालना है, तो 9 गुणे इसका दुगना कर दीजिए, और जो भी इसका डिफरेंस आएगा उससे भाग दे दीजिए, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 18। अगर मैं आपसे पूछता x-1/x का मान क्या होगा, तो आप तुरंत क्या बताते, ये माइनस में आएगा ध्यान रखिएगा, अगर आप इसमें पूछता तो आप क्या करते, इसका दुगना करते, इसका दुगना करते तो माइनस वाला आंसर आ जाता, तो आपका आंसर आता -8√5/1, क्योंकि डिफरेंस एक है तो अपॉन एक करने की जरूरत नहीं है, उस केस में हमारा आंसर क्या आ जाता, ये आ जाता। आपसे ये भी पूछा जा सकता है x²+1/x² का मान, x⁴+1/x² का मान, x³+1/x³ का मान, सारे फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। स्क्वायर वाला फॉर्मेट अगर बनेगा तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इस अस्त्र का यूज आप कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोज में आपको हमने बताया भी था प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो यहां पर हमारा आंसर क्या आएगा 18 आ जाएगा, और यहीं से आपका एक फॉर्मेट और बन जाता है, कौन सा, ये वाला रूट वाला, रूट वाला वह ऐसे बनेगा। अब यहां पर आपको फिर इसका क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, जो कि मैंने पीछे क्लासेस प्रैक्टिस सेटों में आपको कराया है। तो इसका वर्गमूल जब लेंगे तो रूट एक्स आएगा, और जब रूट एक्स आएगा तो उसी तरीके से जो फॉर्मेट बनेगा उसका दुगना करके उसके नीचे उसका स्क्वायर का डिफरेंस जो भी होगा उससे भाग दे देंगे, तो डायरेक्ट ये वैल्यू आ जाएगी, और माइनस वाला भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस तरीके से काम करेंगे तो आपकी स्पीड कोई टच भी नहीं कर पाएगा, छू भी नहीं पाएगा, जिस तरीके से आप करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर क्या था 18। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसका मैंने बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक चीजें मैंने आपको ईबुक में बताई गई हैं, मैंने यहां पर उसका एग्जाम वाला अप्रोच नहीं बताया, जो मैंने वहां बताया वो एग्जाम वाला अप्रोच नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा आपको समझा कर बताता हूं, क्योंकि मैंने सोचा भी था कि मैं इसको वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। यहां पर ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं, मैं इसको थोड़ा लिख लेता हूं जिससे समझाने में थोड़ा कोई दिक्कत ना हो। हमसे एक्स की वैल्यू दी गई है, ठीक है, एक्स की वैल्यू दी गई है, और इस 18x² को अभी मैं 17 करता हूं, क्या करता हूं 17 करता हूं, जिससे मुझे समझाने में थोड़ा अच्छे से मैं आपको समझाऊं, फिर मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा क्या कैसे हो रहा है। यहां पर जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो यहां चाहे 17 नहीं, यहां पर आपसे काफी बड़ी वैल्यूज देकर, इनफैक्ट power 4 से ना स्टार्ट करके power 7 से भी स्टार्ट करा सकता है, कुछ भी करा सकता है, आप सेकेंडों में 2 सेकेंड से 3 सेकेंड के अंदर आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे संभव है, क्योंकि अगर आप 16 का पावर लगाओगे, 16 की पावर 4, शायद काफी लोग को याद ही नहीं होगा, इसमें फिर करना है गुणा करना है, तो ऐसे करेंगे तो कम से कम 3 मिनट 4 मिनट चला जाएगा अगर पूरा डिटेल में करेंगे, और मैं बात कर रहा हूं 2 सेकंड की, बिल्कुल ठीक है, ध्यान अच्छे से आपने सुना होगा, 2 ही सेकंड की बात कर रहा हूं। अब मैं इसको बताता हूं, खुद ही आप खुद ही बताओगे, ठीक है। इसका एक फॉर्मेट बनता है क्या, कि अगर ये 16 है
अगर ये 16 है तो इसमें दो तीन बातों का ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल है x की पावर ये आपकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, मतलब 4, 3, 2, 1 यहीं तक आपको चेक करना है। तो पहला स्टेप क्या होगा, जो पावर्स होनी चाहिए वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहनी चाहिए, मतलब अवरोही क्रम में लगी रहनी चाहिए वेरिएबल की, 4, 3, 2, 1 सही है पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरे स्टेप में हमारा ये अल्टरनेट साइन होना चाहिए, मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरीके से, यहीं तक आपको चेक करना है। इस कांस्टेंट में 20 रखूं 22 रखूं उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो क्या है, दो स्टेप समझ में आ गया, पावर्स आपकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, अल्टरनेट साइन होना चाहिए, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी संख्या यहां पर रहेगी इससे एक ज्यादा यहां से रहना चाहिए, 16, 1, 17 ये भी देखिए 17 ये भी 17 यहां तक क्लियर है। उस अब इतना करने के बाद फिर आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा मैं कैसे 2 सेकंड में बताऊंगा, जैसे मैंने देखा तुरंत चेक कर लिया और तुरंत मैंने यहां से देख कर ही आंसर बता सकता था। फिलहाल इस क्वेश्चन को मैंने अभी चेंज किया है, मैं बस समझाने के लिए बोल रहा हूं। इसको अगर आप 16 रख कर देखिएगा आपका जो आंसर आएगा यहां पर -16 + 20 आपका आंसर आएगा -16 + 20 मतलब 4 आ जाएगा। इनफैक्ट ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी, यहीं से देखा हाँ ये सोचा 20 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखिए पहला ऑप्शन 4 भी दिया है, एक ऑप्शन दिया भी है, ठीक है। अब कैसे किया ध्यान दीजिएगा, अगर इसको डायरेक्ट करना है तो तीन जो मैंने कंडीशंस बताई उसको ध्यान सुनना है, और जो एक्स का गुणांक होगा ये कौन सा साइन में है, आपको क्या चेक करना पड़ेगा, एक्स का जो गुणांक है अगर वो माइनस साइन में है तो जो भी वैल्यूज होगी इसको आप माइनस में लिखोगे यहां से, मतलब ये जो -16 होगा ना इसको जब सॉल्व करोगे ना इतने को, एक्स का मान जब पूरा रख कर इतने को सॉल्व करोगे सब चीजें कट पिट जाएंगी और बचेगा क्या -16 तुरंत, तो ये लाइन मैंने तुरंत लिख दिया, और प्लस आपका क्या है ये 20 तो बचा ही है, हमारा आंसर क्या आ गया 4 आ गया। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर 4 नहीं है ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां 18x² और मैंने क्या लिखा है 17 लिखा है। अब आप मेरी बात को और अच्छे समझ पाएंगे, तो इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं तो आप इसको समझ सकते हैं। यहां पर आप समझिएगा, इसका मतलब यह हुआ जो प्लस 18x² है क्या मैं इसको 17x² प्लस x² लिख सकता हूं, आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, तो मैं क्या करता हूं, क्योंकि 17 पे आपका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बन जा रहा है जो मैंने अभी आपको बताया -17x + 20 मतलब मैं ये जो लिखा था इसके पहले यही लिखा था, लेकिन यहां 18 था इसका मतलब जो प्लस x² है मैंने यहां से अभी छोड़ दिया है, अब मैं वो प्लस x² कहां लिखूंगा, यहां लिख दूंगा। इसकी वैल्यू अभी आपने निकाल लिया है, कितना आया है +4 आया था याद होगा। अब बस आपको क्या करना था, x² का मतलब 16 का स्क्वायर याद होगा आप सभी को, तो 256 ये वाला 4 + 256 कितना जाएगा 260 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आप देख लो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को जल्दी लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर ये आपका 16 था, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, कितना आ गया आंसर 260। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर जो 17 है, एक किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर 15 सेकंड में पार करता है, तथा बी इस मैदान को उसकी भुजाओं के अनुदिश 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर उतने ही समय में पार करता है, तो मैदान का क्षेत्रफल। ये थोड़ा सा आपका मेंसुरेशन और टाइम स्पीड डिस्टेंस का दोनों का कॉन्सेप्ट इंक्लूड कर दिया है। तो एक आयताकार मैदान है ये आपने बना लिया, उसके विकर्ण के अनुदिश मतलब ये जो विकर्ण है ये डायगोनल जिसे हम लोग बोलते हैं, मान लेते हैं ABCD, ठीक है, कितने चल रहा है 52 मीटर प्रति मिनट, मतलब ये जो चल रहा है यहां से 52 मीटर प्रति मिनट, ठीक है, और कितने सेकंड तक चल रहा है 15 सेकंड तक। अब थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि ये आपका कहीं ना कहीं चाल के रूप में दिया है, और अगर मैं इसकी दूरी निकालने में कामयाब हो गया, क्योंकि आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है ना लास्ट में, तो इसका मतलब मुझे दूरी के
भाई दूरी मुझे निकालना पड़ेगा, तो ये चाल है, और इसी चाल में अगर मैं समय का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो समय समय कट जाएगा और हमारा क्या जाएगा, दूरी आ जाएगा। तो 52 मीटर प्रति मिनट, तो एक मिनट में कितने सेकंड होंगे, 60 सेकंड, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको सेकंड में बना लिया, क्योंकि ये कितने सेकंड तक चला रहा है, 15 सेकंड, तो मैं 15 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 15 चौका 60 और 4 से काट दिया तो कितना आ गया, 13। ये आपका 13 आ गया। एसी अगर 13 आ गया तो आपके दिमाग में खुद ही अपने आप बन जाता है, अगर 13 है ट्रिपलेट के कॉन्सेप्ट से, पाइथागोरियन ट्रिपलेट के कॉन्सेप्ट से, अगर ये 13 है तो ये 5 और 12 होना चाहिए, 5 और 12 होना चाहिए। लेकिन इसको भी चेक कर लेते हैं, अगली लाइन जो है यहां से यहां तक हो गया। अगली लाइन जो है, तथा बी, ये तो ए था, बी इस मैदान को उसकी भुजाओं के अनुदिश, बी इस मैदान को उसकी भुजाओं के अनुदिश 68 मीटर प्रति मिनट के चाल से चलकर, अब बी आपका मेरे ख्याल से बी यहां पर दिया होगा, ठीक है, बी ऐसे चलकर, ऐसे इसके अनुदिश, भुजाओं के अनुदिश, या बी यहां पर होगा, तो इसको आप चाहे तो बना सकते हैं, ठीक है, ये भी इसके भुजाओं के अनुदिश ऐसे चला दीजिए या ऐसे चला दीजिए, बात एक ही है, ठीक है। अब देखिए कितना है, कितना स्पीड से चल रहा है, 68 मीटर प्रति मिनट, 68 मीटर, और मिनट में अगर मैं सेकंड में बदल दूं तो कितना जाएगा, 60 सेकंड, ठीक है, कितना जाएगा, 60 सेकंड। तो यहां पर अगर आप इसको निकालेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 15 सेकंड, इसको भी चला दीजिए, तो 15 चौका 60 और ये कितना जाएगा, 4 × 1 = 4, 4 × 7 = 28, 17 मीटर, तो ये 17 मीटर जो होगा ये पूरी इसकी लंबाई होगी, पूरी, ठीक है, पूरी लंबाई ये 17 हो जाएगी, ए मतलब ये इसको मैं एसी अगर मान लूं तो एसी प्लस बीसी की लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी, 17 मीटर, ये 13 है, ये पूरा 17 है, तो ट्रिपलेट तो आपको तुरंत पहले ही याद आ गया था, 5, 12, 13, अब चेक ही करना था ना, इसीलिए मैंने चेक करवाया, तो 12, 5 देखिए 17 नहीं बन रहा है, यही तो हो गया, इसमें इसका सम 17 है, तो डायरेक्ट आप ये बताइए, यहां से आपसे पूछा था क्या, यहां से पूछा था मैदान का क्षेत्रफल, तो आयत के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई क्या हो जाएगा, 5 × 12, तो 5 × 12 क्या हो जाएगा, 12 × 5 = 60, 60 मीटर स्क्वायर। लेकिन जब आपने 13 निकाला था ना, जब 13 निकाला था तभी हमारा आंसर दिमाग में आ गया था, 12 × 5 = 60, वो तो बस चेक किया, लेकिन आपको थोड़ा सा जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें आपके दिमाग में दिखने, मतलब आपके आ जानी चाहिए कि हमारा आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 60 मीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 18 नंबर, इसको आप सॉल्व करिए। कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा, ठीक है, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 8 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। फिर वही बात हो गई कि भाई पी है, ए है, ठीक है, एक से कितना हो जा रहा है, दोगुना हो जा रहा है, तो कितना ब्याज लगा, एक, कितने साल में, 8 साल में, तो 1/8 की वैल्यू 12.5%, क्योंकि एक है ना, प्रिंसिपल एक लूंगा तो नीचे एक ही आएगा, तो कोई मतलब नहीं, 1/8 × 100 कितना आएगा, 12.5%। पूरी फ्रैक्शन वैल्यू की आपको परसेंटेज में वैल्यूज पता होनी चाहिए, तो 1/8 जो होता है वो आपका होता है 12.5%। उसके अलावा मैजिक ऑफ 8 और मैजिक ऑफ 8 और 7, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको क्लास में भी बताता हूँ, ठीक है, जहां से आप अपनी कैलकुलेशन, आप अपनी स्पीड बहुत ही अच्छी बना सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, परसेंटेज से लेकर कैलकुलेशन में हमेशा ये काम आता है। देखिए यहां भी 1/8 ही था, तो यहां पर जो आपका आंसर होगा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, तो टाइम एंड वर्क में अगर आप ध्यान से देखें, लिखा है ए तथा बी मिलकर एक काम को 72 दिन में पूरा कर सकते, लिखते चलिए, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 72 दिन में कर रहे हैं, बी और सी मिलकर 120 दिन में कर रहे हैं, सी प्लस ए मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 90 दिन में कर रहे हैं,
90 दिन में, ठीक है। तो यहां से पूछा है कि ए अकेला उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ए अकेला उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो सीरीज बात है, यहां पर हमको लोग को लेना पड़ेगा क्या, एलसीएम लेना पड़ेगा, यही आपका टोटल काम भी हो जाएगा। तो 72, 120 और 90 का जो एलसीएम होगा ये आ जाएगा कितना, 360, यही आपका टोटल काम होगा। तो कितनी बार जा रहा है, 72 पंजे, ये पांच क्या होगा पता है, ये पांच जो होगा एक दिन में किया गया काम किसके द्वारा, ए प्लस बी के द्वारा। 120, 12 तिहाई और 9 चौक 36, समझिएगा ध्यान से। हमसे पूछा है ए अकेला उस काम को कितने दिन पूरा करेगा, तो हमें पहले ए की इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी। तो ए की इफिशियंसी कैसे निकलेगी, तो सबसे पहले मुझे तीनों का निकालना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी होगी, ध्यान दीजिएगा, 5, 3, 8, 4, 12। तो ये 12 जानते हैं किसका है, ए दो बार है, बी दो बार है, सी दो बार है, इसका मतलब इसको मुझे दो से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी की जो इफिशियंसी है, क्षमता है, वो कितनी है, 6 है, 6 है। और मुझे अगर ए का निकालना है, अगर मुझे ए का निकालना है तो बी प्लस सी का अगर इफिशियंसी मुझे पता है इसमें से, ध्यान दीजिएगा, बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है, 3। अगर मैं इसी 6 में से, क्योंकि तीनों की 6 है और बी प्लस सी की कितनी है, बी प्लस सी की 3 है, तो 6 में से अगर मैं 3 घटा दूंगा तो ए की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, 3। और यही जैसे ही आया, यही एक दिन का काम भी होता है, तो टोटल काम में 360 में हम 3 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 120 दिन। 120 दिन हमारा आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पर, क्वेश्चन नंबर 20, इसको आप देख लो। 10 पाइप एक टंकी को 28 मिनट में भरते हैं और अगर 3 पाइप आपके खराब हो जाने पर टंकी अब कितनी देर में भर जाएगी, ठीक है। 3 पाइप खराब हो जा रहा है तो टंकी अब कितनी देर में भरेगी, यही आपसे पूछ रहा है। अब आप समझिएगा ध्यान से, यहां पर 10 पाइप एक टंकी को 28 मिनट में भरते हैं, 3 पाइप खराब हो जा रहा है तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी। और सीरीज बात है, जो टंकी की कैपेसिटी है वो तो भाई कांस्टेंट है, वो बदल नहीं सकता। तो यहां पर भी हम सीपीआर अप्लाई कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं ना कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आप देखिएगा, 10 से 3 पाइप हो जा रहा है तो पाइपों में कितने की कमी आ गई, भाई 3 की कमी आई, कितने पर, 10 पर। और जब कमी होती है तो यही 3, 10 में से घटा देंगे तो इसका मतलब 3/7 मुझे क्या बढ़ाना पड़ेगा, भाई सीरीज बात है टाइम को बढ़ाना पड़ेगा। भाई सीरीज बात है, अगर आप पाइप में कमी लाओगे तो समय समय क्या होगा, ऑटोमेटिक यह बढ़ जाएगा, ठीक है। जब समय बढ़ेगा तो सीरीज बात, यहां क्या पूछा था, टंकी कितनी देर में अब भर जाएगी, इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा वो 28 से बड़ा होना चाहिए, 28 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब 12 वाला तो ऑप्शन देखते ही आप एलिमिनेट कर दोगे, बात समझ में आ रही है। तो ये लॉजिक आपको ध्यान में रखना है। अब ये 3/7 जो होगा, यही वृद्धि होगी कितने पर, 28 पर। तो 7 × 4 = 28, इसका मतलब 12 मिनट एक्स्ट्रा और लगेगा। भाई सीधी बात है, 3 पाइप खराब हो गया है, अब 7 ही पाइप काम कर रहे हैं, और अगर 7 पाइप काम करेंगे तो समय ज्यादा लेंगे, क्योंकि वही कैपेसिटी है टंकी की, जो भी कैपेसिटी होगी, क्षमता होगी, धारिता, जो भी धारिता उसकी है, तो 12 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा उसको पूरा कंप्लीट भरने के लिए। तो पहले तो 28 तो ये लगा, 28 तो ये लगेगा और प्लस 12 ये, तो 28 + 12 आपका आंसर क्या आएगा, 40। इसीलिए एक ऑप्शन आपका 12 भी दिया था। लेकिन अब यहां पर थोड़ा सतर्क रहना है, यहां पर बोला है टंकी कितनी देर में अब भर जाएगी। अगर ये बोला होता कि एक्स्ट्रा टाइम अब कितना लगेगा, मतलब एक्स्ट्रा टाइम कितना लगेगा अगर 3 पाइप खराब हो जाएंगे तो कितना टाइम ज्यादा लगेगा, तो तब आपका आंसर 12 होता। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21, ये तो और आसान सा क्वेश्चन है, ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन है, टीएसडी का क्वेश्चन है। लिखा है एक रेल गाड़ी की लंबाई 150 मीटर है, यदि गाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कितने समय में वह टेलीग्राम के खंभे को पार करेगी। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। और आपका जो ऑप्शन है, समय जो दिया है वो सेकंड में दिया है, तो दूरी किस में दिया है, मीटर में,
और चाल को मुझे किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, वो तो आपको अच्छे से आता है, 60 गुणे 5 बटे 18, तो बटे जो 18 है वो 18 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 6 से भाग देते क्या, चलिए एक जीरो ये उड़ जाएगा, 5 3 15, 3 2 6 और 2 9 18, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 9 सेकेंड, 9 सेकेंड आपका आंसर होगा, ऑप्शन कहां पर है, सी ऑप्शन, ठीक है, आसान सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 पर, क्वेश्चन नंबर 22, एक ही दूरी तय करने के लिए जा रहे दो व्यक्तियों ए तथा बी के चालों का अनुपात इतना है, फिर देखिए ये दिया है ना, एक ही दूरी, फिर से दूरी कांस्टेंट है, तो ए और बी के चालों का जो अनुपात है, ए और बी के चालों का अनुपात जो दिया है वो डायरेक्ट दे दिया है, कितना, 3 और 4, ठीक है, और दूरी अगर कांस्टेंट है, जो डिस्टेंस है अगर दूरी कांस्टेंट होता है, और ऐसे क्वेश्चन तो इतनी बार आपने कर लिया है कि एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप गलत नहीं करोगे, ठीक है, तो जो समय होगा वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये 4 इधर हो जाएगा और 3 इधर हो जाएगा, ठीक है। अब पढ़िए ये वाली लाइन, मंजिल तक पहुंचने में ए जो है 20 से 30 मिनट अधिक लेता है, देख रहे ना, 20 से सीधी बात है, एक अधिक ले रहा है भाई, ये 3 है ये 4 है, तो मैं बोल सकता हूं ना कि एक यूनिट जो होगा किसके बराबर हो गया, 30 मिनट मतलब आधे घंटा, भाई मैंने इसको घंटे में चेंज कर दिया, और एक यूनिट बराबर अगर इतना हो गया तो पूछा क्या है, आपसे पूछा गया है ए द्वारा लिया गया समय, अब आपसे दूरी नहीं पूछ रहा है, यहां समय पूछ रहा है, तो ए द्वारा लिया गया समय कितना है, 4 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू हाफ आवर, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 × 1/2 मतलब 4 का आधा, 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2 घंटे, ठीक है, ऐसे 3 बटे यहां पर 2 कर देंगे तो 1.5 घंटे आपका क्या जाएगा, बी को टाइम कितना लगेगा, 1.5 घंटे, और ए को टाइम कितना लगेगा, 2 घंटे लग जाएगा, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, अगर दूरी पूछा जाता तो मैं बता देता तुरंत क्या दूरी, फिलहाल ये एक्चुअल डेटा नहीं होगा, एक्चुअल नहीं आएगा क्योंकि ये चाल का रेशियो है ना, आपको जब चाल दिया होता तब आपसे दूरी पूछता, इसलिए यहां पर आपसे समय पूछा गया है, चाल एग्जैक्टली नहीं दिया, ये रेशियो में दिया गया है, ठीक है, तो यहां पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 22 है, यहां तक आपको अच्छे से मेरी बात समझ में आ गई होगी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर, क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाइए, ये क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर जो 23 है ये आपका लिखा है 113 × 127 × 126 × 197 × 125 के गुणनफल में अंतिम 2 अंक। अभी आपने एक क्वेश्चन देखा था 997 का होल क्यूब, जहां पर मैंने आपको 2 तरीके से आपको उसका सोल्यूशन बताया था, एक डिजिट सम के मेथड से और एक लास्ट 2 डिजिट से, और मैंने बोला भी था कि अगर लास्ट 2 डिजिट अगर आपको निकालनी होती है तो हम 100 से भाग देते हैं, और अगर लास्ट 3 डिजिट निकालनी है तो 1000 से भाग देंगे, और एक अगर डिजिट निकालनी यूनिट डिजिट तो हम 10 से भाग देते हैं, या लेकिन यूनिट डिजिट तो आप डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं, लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा, करा जाए, देखिएगा ध्यान से, यहां पर इसको मैं यहां पर लिखता हूं जिससे आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आए, 113 × 127 × 126 × 197 × 125, अब इसमें जब आप 100 से भाग देते हैं, आप 100 से भाग देंगे, सीधी बात अगर 100 से करेंगे टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे जो भी रिमाइंडर आएगा वही आपका लास्ट 2 डिजिट भी होगा, ठीक है। अब यहां पर इसको आसान कैसे करना है, आप एक तरीका भी ध्यान दीजिएगा, अगर मैं देखता हूं तो ये 100 आपका 25 से कट रहा है, देखिए 25 × 125 और 25 × 100, लेकिन जब भी आप रिमाइंडर निकालते हैं, जब भी आप रिमाइंडर निकालते हैं तो जिससे भी आपने काटा है उसको आपको ध्यान रखना है, आपने ऊपर नीचे किससे काटा है, 25 से, ठीक है, बाद में इस 25 का यूज करेंगे, तो इसको जब आपने इससे काटा है अब रिमाइंडर आप निकाल सकते हैं, देखिए 4 से अगर मैं बोलूंगा 113 में अगर मैं भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो आपको दिख भी रहा है लास्ट 2 डिजिट भाई 12 होता कट जाता, 3 है, जिस मतलब रिमाइंडर यहां से क्या आया, 113 से 1 आया, 127 से कितना आएगा, 24 होता कट जाता, कितना आएगा, 3 आएगा, इंटू लगाते जाइए जो भी लगा है साइन, यहां से कितना आएगा, 2 आएगा, यहां से 197 से कितना आएगा, 96 अगर होता कट जाता 1 बच गया, और 5 में अगर मैं 4 का भाग दूंगा तब भी 1 आएगा, मतलब ऊपर से ये आपका इंटू में आया, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो नीचे 4 तो ही है भाई, 4 से आप भाग दे रहे हो ना, तो ऊपर से आपका क्या आया, 3 × 6 6/4,
मतलब हमारा रिमाइंडर यहां से आ रहा है कितना, 6 आ रहा है, 6/4 है। लेकिन मैंने क्या बोला, जो भी आपका आएगा, जो भी आपका आएगा, या तो एक बार आप फिर से चाहो तो फिर से भाग दे दो, तो यहां से एग्जैक्टली रिमाइंडर कितना आया, 2 आया भाई, 4 × 1 = 4, 2 रिमाइंडर आया। अगर मैं एक ऑप्शन 0, 2 कर देता तो कई लोग इसको भी लगा देते, लेकिन ध्यान रखिएगा हमने क्या बोला, जब भी आप ऊपर नीचे किसी संख्या से काटते हैं, किससे काटे थे, 25 से, तो जो भी रिमाइंडर आएगा उसमें उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आपका एग्जैक्टली रिमाइंडर होगा जो आपको चाहिए, जो आपको चाहिए। तो 25 × 50, इसका मतलब जो हमारा रिमाइंडर, अगर आपसे 2 क्वेश्चन यहां से पूछेगा, इसका रिमाइंडर क्या आएगा 100 से भाग देने पर, या आपसे पूछ सकता है, दोनों चीज एक ही है, या लास्ट टू डिजिट पूछे, या 100 यहां अपॉन में लगाकर बोले कि रिमाइंडर क्या आएगा, दोनों बात एक ही है। उसका मतलब जो भी बड़ी सी संख्या आएगी, गुणा करने पे जो भी बड़ी सी संख्या आ रही होगी उसमें लास्ट टू डिजिट कितने बना रही होगी, लास्ट टू डिजिट आपकी 50 बना रही होगी। क्लियर है, बात समझ में आ रही, नहीं आ रही है? इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आप आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कोई तरीका हो सकता है, क्या सोच पा रहे हैं? सोचिए सोचिए, देखिए अगर जितना आप सोचेंगे बहुत नई नई चीजें निकलती जाएंगी। इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता रहता, जब मैं पढ़ाता रहता हूं बहुत सारी चीजें पढ़ाते समय ही आ जाती है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप भी सोचिए, कॉन्सेप्ट को सोचिए, और अगर सोचेंगे डिजिबिलिटी रूल जो मैं पढ़ाता हूं, कुछ लोग सिर्फ डिजिबिलिटी रूल पे क्वेश्चन करते हैं, लेकिन डिजिबिलिटी रूल को अगर आप यूज करना जिस दिन सीख गए ना, तो आपको मैथ्स बहुत ही आसान लगना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हमसे पढ़ रहे हैं, उनको अब मजा आना स्टार्ट हो गया, मजा आने लगा है कि हाँ सर इस क्वेश्चन को इस तरीके से हम डिजिबिलिटी रूल से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, अगर लास्ट टू डिजिट की बात हो रही है, आपने पढ़ा होगा एक नंबर, आप जीरोज का कॉन्सेप्ट, देखिए नंबर सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट है, उसको हर जगह हम लोग यूज में लेते हैं। तो नंबर ऑफ जीरोज का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा कि 25 की डिजिबिलिटी रूल, फिर आ गया डिजिबिलिटी रूल। तो अगर आपका, अगर आपको यहां पर देखे ध्यान से, यहां पर 2 कितनी बार आ रहा है, 2, ठीक है। अगर आप ध्यान दें तो यहां से 2 आपका 1 बार आ रहा है, ठीक है, 2 1 बार आ रहा है, 2 1 बार आ रहा है। उसके अलावा यहां से 5 कितनी बार आएगा, 125 है, इसका मतलब यहां से 5 कितनी बार आ रहा है, 3 आ रहा है, क्योंकि 125 का मतलब 5 का क्यूब है, 5 का क्यूब है। और आपको बताया गया था नंबर आप जीरोज में, थोड़ा समझिएगा, अगर मिनिमम जो होगा, क्योंकि 2 और 5 मिलकर ही लास्ट में 0 लाते हैं, तो यहां से अगर आप ध्यान से देखें एक ही बार 2 आ रहा होगा, 2 × 12 फिर 2 × 3 = 63 आ जाएगा, 63 आ जाएगा, मतलब 2 आपका एक ही फैक्टर है 126 में, और यहां से 125 क्या होता है, 5 का क्यूब, यहां 5 का फैक्टर कितना है, 3 है। तो हम 1, 5 और 1, 2 का यूज करके ये पता लग जाएगा कि अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 10 जरूर आना चाहिए, लास्ट में 10 जरूर आना चाहिए। तो आपने जब देखा ऑप्शन में, तो मैं तुरंत देख कर ही ऑप्शन ये एलिमिनेट कर सकता था, क्योंकि लास्ट डिजिट है तो 45 तो हो ही नहीं सकता, लास्ट में 10 आएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर। आगे बढ़े, आगे बढ़े, इससे भी आसान हो सकता था, मैं भी नहीं सोचा था, लेकिन अब पढ़ाने लगा तो चीजें अब आसान हो रही है, ध्यान दीजिएगा। फिलहाल एग्जाम वाला अप्रोच वाला मैंने वो बता ही दिया है, लेकिन अगर ये अगर आप सोच लिए तो उससे भी बेस्ट आपका चला जाएगा, ठीक है। क्या इसी समझाने में टाइम लग रहा है, बाकी अगर आप समझ जाएंगे तो एक बार में आपका आने लगेगा। अब आप समझिएगा 25 की डिजिबिलिटी रूल, सीधी बात है, अगर ये मल्टीपल में, क्योंकि इनटू में है, तो 100% हमारा जो डिजिबिलिटी रूल है, जो ये आपके ऑप्शन बचे हैं भाई, 5 से तो सभी कटेगा, 0 0 आ रहा है। लेकिन एक चीज अगर आप ध्यान दें तो हम 25 की डिजिबिलिटी रूल क्या होती है, ध्यान दीजिएगा, 25 की डिजिबिलिटी रूल ये होती है कि जो लास्ट टू डिजिट होती है वो अगर आपका 25 से कट गया तो इसका मतलब 100% वो आपका क्या होगा, 25 का डिविजिबल होगा, वो संख्या जो भी आएगी 25 से कटेगी। और वो कटना तो श्योर है, क्योंकि अगर आपसे लास्ट 3 डिजिट भी पूछता तब भी हम जल्दी से बता सकते थे, तब मैं चेक करता 125 से, ठीक है। तो लास्ट टू डिजिट अगर पूछ रहा है तो बस मुझे क्या करना, 45 तो देखते एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि आपको पता था लास्ट में 0 आएगा, इकाई पे 0 आएगा। अब आप चेक करना है लास्ट टू डिजिट आपकी 25 से कटनी चाहिए, क्या 60 आपका 25 से कटेगा, 70 क्या 25 से कटेगा, एक ही ऑप्शन था 50। क्लियर, समझ में आया अच्छे से? तो मैं आपको, एक तो ये तरीका था, और इस तरीके से हम डिजिबिलिटी रूल का यूज करके आसान बना सकते हैं, ठीक है, मजा आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 पर।
चलिए तो 24 नंबर जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखिएगा। ये एक थैले में एक रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में है। मतलब ये जो आपका रेशियो दिया गया है वो सिक्कों की संख्या के रेस्पेक्ट में दिया गया है। बोला यदि थैले में उन सिक्कों की कुल धनराशि 210 रुपए हो तो थैले में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन दिखा तो आपको सबसे पहला चीज क्या करना है, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल देख रहे हैं ना कितनी बार यूज करते हैं हम लोग। डायरेक्ट जब रेशियो दिया है और आपसे यही पूछ भी रहा है तो सबसे पहला आपको चेक करना पड़ेगा कि इनका मल्टीपल ये बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो चलिए ये आपका 5 का मल्टीपल होना चाहिए ऑप्शन में और ये वाला आपका 6 का होना चाहिए, 8 का होना चाहिए। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में 5 का मल्टीपल बना रहा है। अगर ध्यान से देखें 105 आपका 5 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, 106 भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, आंसर 105। खत्म, कहानी खत्म, ठीक है, पैसा हजम। चलिए देखिए ध्यान से, आप इसको थोड़ा समझते भी हैं क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता ना, एक बार मिल गया लगा दिया और आगे भी बढ़ जाना है, 100% आपका आंसर सही है, लेकिन तरीका भी सीखना पड़ेगा। यहां पर एक समय था कि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते थे, अब थोड़ा सा ओल्ड हो गया है तो इक्का दुक्का कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, लेकिन समझना पड़ेगा। यहां पर जो दिया है सिक्कों की कुल धनराशि जो दिया है 210 रुपए है। अब ये जो है ये सिक्कों की संख्या का रेशियो दिया है। अब हम मूल्यों का अनुपात निकालेंगे, मतलब रुपीज में, मतलब जो भी होगा हम लोग इसके रेस्पेक्ट में, रुपीज के रेस्पेक्ट में इसका अनुपात निकालेंगे। कभी भी इसको सम करके इसके बराबर नहीं करना है क्योंकि ये सिक्कों की संख्या है और ये रुपीज है, इसका मतलब मुझे इसको रुपया में, रुपीज में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये 1 रुपए वाला है 50 है और ये 25 पैसे का है, तो इसको कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। अगर ये समझते हैं भाई 5 सिक्का कौन सा, ये 1 रुपए, ध्यान दीजिएगा ये आपका 1 रुपए वाला सिक्का है, ये 50 पैसे वाला सिक्का है और ये 25 पैसे वाला बताया जा रहा है। सिक्कों की संख्या 5 सिक्के, अगर मैं बोलूंगा 5 सिक्के जो हैं 1 रुपए के हैं तो कितने रुपए हुए, तो आप बोलोगे सर 5 रुपए। अब मैं रुपए में कन्वर्ट कर रहा हूं रेशियो। यहां 6 सिक्के जो हैं वो कितने पैसे के हैं, 50 पैसे के 6 सिक्के, 50 पैसे के 6 सिक्के, अब तो ये चलन में नहीं है। तो 50 पैसे के अगर 6 सिक्के हैं तो कितने रुपए होंगे भाई, 2 50 पैसा मिलेगा तो 1 रुपए बन जाएगा, तो 6 अगर होंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे कितना जाएगा, ये 3 आ जाएगा। 8 सिक्के कितने के हैं, 25 पैसे के, तो 25 पैसे के 4 सिक्के मिलकर 1 रुपए, तो 8 का मतलब चाहे तो आप 4 से डिवाइड कर दो तो कितना जाएगा 2। ये रुपयों का अनुपात आ गया और जैसे ये रुपयों का अनुपात आया अब इनका योग आपका क्या होगा 210 के बराबर हो जाएगा। क्लियर, तो आप इसको निकाल लो, 5 3 8 2 10, इसका मतलब 10 यूनिट जो होगा 210 रुपए के अब बराबर होगा, तो ये कट जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 21 रुपए, और ये 21 का मल्टीप्लाई गलती से यहां ना कर दीजिएगा, ठीक है, रुपीज वाले में करना है, तो 21 गुड़े 5, तो 5 देखिए 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, मतलब 1 रुपए वाला जो सिक्का होगा 105 होगा, एक ही ऑप्शन है। लेकिन सबसे बेस्ट क्या था, इसके पहले वाला जो हमने अस का यूज किया, क्या है नाम, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल का। उसके अलावा अगर आप दूसरा निकालना चाहते हैं तो क्या होगा ध्यान दीजिएगा, 21 63 63, ये 63 क्या है पता है, ये 63 रुपए है। अगर मुझे सिक्कों की संख्या निकालनी होगी तो 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं 2, तो 63 गुणे मुझे 2 करना पड़ेगा तो हमारा आ जाएगा कितना 126 जो आपके सिक्के होंगे वो 50 पैसे वाले होंगे। अब ध्यान दीजिएगा 21 का मल्टीप्लाई 2 में करिए तो 42 आपका रुपए आया है। ये 42 रुपए कौन सा है, ये 42 रुपए आपके 25 पैसे वाले हैं। तो अब ये बताओ 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, क्योंकि मुझे सिक्कों की संख्या निकालनी है, तो आप बोलोगे सर 4, तो इसका 42 रुपए में कितना होगा 42 गुड़े 4, तो 4 2 8, 4 4 16, 168 25 पैसे वाले सिक्के होंगे। ठीक है, सारी चीजें निकल गई निकल गई। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन और आसान हो सकता था जब यहां देता
कि 210 सिक्के हैं, टोटल कितने सिक्के हैं 210, तो डायरेक्ट हम इस रेशियो के बराबर इसके इक्वल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिक्कों का अनुपात है और यहां अगर सिक्कों की संख्या टोटल दिया होता तो डायरेक्ट अनुपात कर लेते हैं, लेकिन ये रुपीज दिया था, ये सिक्कों की संख्या दिया था, तो पहला काम क्या होगा, इसको रुपीज में कन्वर्ट करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा बहुत कहीं कम समझ में आया तो इस वीडियो को आप फिर से दोबारा देखिए, इस क्वेश्चन में पीछे आइए और तुरंत देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 पर, इसको ध्यान से देखिएगा। और निम्नलिखित समूह में कौन सा अवरोही क्रम है, अवरोही क्रम आपको यहां से बताना है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखते हैं, यहां पर चलिए मैं पहला ऑप्शन ले लेता हूं, 4/7, 9/17, 5/11 और 7/16, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसमें अवरोही क्रम का मतलब बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर, तो इसका तरीका क्या होता है, इसका जो डिफरेंस होगा पहले तो यह देखना है उचित भिन्न है कि नहीं है। हाँ, उचित भिन्न है। उचित भिन्न का मतलब अंश जो होगा वो हर से क्या होगा, छोटा होना चाहिए। अंश जो होगा हर से छोटा होना चाहिए, उसे हम उचित भिन्न बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है उसके मान हमेशा एक से कम ही आते हैं। क्या आते हैं, एक से कम आते हैं। तो अब आप देखिए इसका डिफरेंस कितने का है, 3 का है, तो जो भी डिफरेंस आएगा अंश में भाग दे देना 4/3। 9 है, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 8, 9/8। यहां देखिए 5 है, 5 लिखा, 11-5 कितना आएगा, 6 से भाग दे दो। 7 है, यहां से कितना आ जाएगा, 9, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए जो आपका क्रम होगा वो आ जाएगा, तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 1 पॉइंट, क्योंकि देखिए सारा ही लगभग 1-1 में आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा आपको पॉइंट में आगे ले जाना पड़ेगा, नहीं तो लगभग में भी हम मान निकाल सकते हैं। तो यहां से अगर आप ध्यान दें तो यह आएगा 1 पॉइंट, कितना जाएगा, 1.33, ठीक है। यहां पर अगर आप आते हैं ये आएगा 1 पॉइंट और 1.1 आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये बड़ा निकल गया इसके कंपेयर में। यहां पर ये आपका डायरेक्ट आपका जाएगा कितना, 0.8 आ जाएगा, ठीक है। यहां पर अगर आप भाग दोगे तो यह आएगा 0.7 आ जाएगा, 0.7 आ जाएगा, ठीक है। सारा आपको निकल गया। अब आप बताइएगा इसमें सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, मतलब ये पहला ही ऑप्शन आपका क्रम भी दिखा रहा है, पहला ही ऑप्शन आपका क्रम भी दिखा रहा है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा अवरोही क्रम। अवरोही क्रम यही आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। एक बार आप देख लो समझ में आया कि नहीं आपको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, ये वाला क्वेश्चन है आपका। अब इसमें ये आपका कंटिन्यूड फ्रैक्शन, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में सतत भिन्न, वितत भिन्न, ठीक है, लगातार भिन्न, या आप बोल सकते हैं एक नाम और बोलते हैं लंगड़ी भिन्न, ठीक है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन इसे बोलते हैं। और इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने आपको जो ईबुक में सोल्यूशन दिया है मैंने सिर्फ इतने को सॉल्व करके दिखाया है, ठीक है, इतने को सॉल्व करके दिखाया है। तो आप यहां पर थोड़ा समझिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे एक्चुअल में ये भी आपका इधर ही है, 1+ ऐसे करके दिया गया है, तो आप क्या करोगे यहां से प्लस को काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 4 बार प्लस दिख रहा है ना, 4 बार। तो आप क्या करिए, यहां से ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये 1 ऐसे लिख लो, और जो नीचे एक्स है ऐसे लिख लो, इसको छोड़कर प्लस को काउंट अगर कर रहे हैं तो 4 बार आपको प्लस दिख रहा है, तो इसको ऐसे जोड़ते चलिए, 4 बार जोड़ना है, x+1, फिर इसको जोड़िएगा, ये पहला हुआ, ऐसे ही अभी आपको 3 बार और जोड़ना है, x+1+x कितना आएगा, 2x+1, कितना आएगा, 2x+1, फिर इसको जोड़ लीजिए तो आ जाएगा 3x+2, कॉमा लगाकर लिखते चलिए 3x+2, इसको जोड़ेंगे, फिर एक बार और जोड़ लीजिए तो आपका आ जाएगा 3x+2x, 5x+3 आ जाएगा। इसको छोड़कर जो शुरुआत आपने किया था इसको छोड़कर ये 4 बार होना चाहिए, क्यों, क्योंकि प्लस आपका 4 बार है, इसीलिए हमने लगातार जोड़ना स्टार्ट कर दिया। तो ये आपका जो होगा, जो लास्ट वाला होगा ये आपका अंश होगा, और इसके बगल वाला, ठीक बगल वाला जो होगा ये हर होता है। क्या होता है, हर होता है, डिनोमिनेटर होता है। इसका मतलब इसका डायरेक्ट आप आंसर एक बार में आ चुका है, अंश क्या होगा 5x+3 और हर क्या होगा 3x+2। ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, पहला ऑप्शन आपका आंसर है, ठीक है।
इस तरीके से जो आप सॉल्व करते हैं, जो इस तरीके से करते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है आपको भी पता है। यहां से सॉल्व करते हैं बड़े कंसंट्रेट होकर, यहां तक आते आते फिर भूल जाते हैं यार कौन सा ऊपर था कौन सा नीचे था, ठीक है। फिर कोशिश करते हैं यहां तक आते आते फिर भूल जाते हैं कौन सा ऊपर था कौन सा नीचे था, और इसी में गलतियां होनी स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन जो मैंने तरीका बताया है, यहां से आपकी एक्यूरेसी प्लस स्पीड दोनों पे ही आपको कमांड हो गया होगा, और ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से हम आसानी के साथ डील कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है, दो तीन क्वेश्चन और रह गए हैं, इसके बाद ये आपका फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पर आ जाइएगा। यहां पर जो आपका क्वेश्चन है, tan थीटा इंटू tan 2 थीटा बराबर 1 है, तो sin 3 थीटा का मान क्या होता है, ठीक है। जब भी अगर ऐसा फॉर्मेट आता है, ध्यान रखिएगा, इस तरीके का 1 बड़ा tan वाला और इंटू करके देता है, तो वहां पर आपको क्या करना है, इसको जोड़कर। अब क्यों जोड़ते हैं मैं ये भी पहले बता देता हूं। एक्चुअल में tan थीटा और 1 अपॉन tan 2 थीटा लिखते हैं तो ये cot 2 थीटा हो जाता है। इसका मतलब समझिएगा ध्यान से, मैं एक स्टेप बता दे रहा हूं। 1 अपॉन tan 2 थीटा, इसको क्या लिख सकता हूं, cot 2 थीटा, cot 2 थीटा। अब ध्यान रखिएगा, tan थीटा और cot 2 थीटा अगर ये बराबर है तो बराबर आने की कंडीशन क्या होती है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है, 2 थीटा है ये, अगर ये tan cot है तो ये बराबर कब होगा पता है, अगर ये tan का एंगल और ये वाला जो एंगल, इनका सम हमेशा 90 होना चाहिए तभी बराबर हो पाएगा। इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि tan 20 डिग्री है तो आप तुरंत बोल दोगे tan 20 डिग्री का मान cot में 70 डिग्री होगा, क्योंकि 20 और 70 का सम क्या आ गया, 90 आ गया। इसीलिए इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब आपको ये करना नहीं, क्योंकि आपको पता चल गया। तो मैंने क्या बोला यहां पर, इसीलिए इनका और इनका एंगल का सम, इनको जोड़ लीजिए कितना आएगा 3 थीटा, और किसके बराबर कर दीजिए, 90 के बराबर कर दीजिए। थीटा बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया, और यही 30 डिग्री का मान उठाकर कहां रखना है यहां पर, तो साइन 3 गुणे 30 कितना आएगा, 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान क्या आता है 1, तो हमारा आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन। क्या जाएगा, बी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 27, इसका आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिएगा ध्यान से, ये भी आपका ट्रिग्नोमेट्री से ही क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन है, और काफी आसान क्वेश्चन है। यहां पर अगर ध्यान दें, लिखा है साइन 720। अब यहां एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, साइन एन पाई का मान, साइन एन पाई का मान जीरो होता है, टेन एन पाई का मान क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। क्यों, n की वैल्यू अगर आप 0, 1, 2, 3 कुछ ले रहे हैं, होल नंबर में ले रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा इनके मान जीरो होते हैं। अब पाई का मान क्या होता है, 180 होता है, तो आप ध्यान दीजिएगा 180, इसका मतलब 18, 36, 18, 54, 18, 74, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ये साइन 4 पाई है, तो देखते ही हम लोग इसको क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। अगर ये फॉर्मेट पता होता तभी तो आप करते, नहीं फिर इसको कन्वर्जन करने में टाइम चला जाता, सीरियस बात है, कन्वर्जन करने में टाइम चला जाता। और ऐसे एक और लिख दीजिएगा फॉर्मेट, अगर कॉस एन पाई होता है तो इसके दो आपके केस बनते हैं। पहला केस, अगर आपका एन क्या हो, इवन नंबर हो, इवन मतलब सम संख्या हो, तो इसकी वैल्यू हमेशा आपकी 1 आती है। अगर एन आपका ऑड नंबर हो, विषम संख्या होगी, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, -1 होती है। ध्यान रखिएगा ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और ये कॉट क्या है, 270 डिग्री है, तो ये 90 का साइक्लिक चल रहा है, इसका मतलब ये भी आपका जीरो ही बनाता है, ये भी क्या बनाता है, जीरो ही बनाता है, ठीक है। तो ये भी जीरो, बस इसी को सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस पहले से है, साइन 150 को क्या लिख सकता हूं, 180 माइनस 30, और कॉस 120 को क्या लिख सकता हूं, कॉस 180 माइनस 60। ये सारे आपको पता होना चाहिए, तो इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और यार नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन आपका क्या होता है, साइन आपका पॉजिटिव होता है, और इसमें क्या होता है, नो चेंज होता है, ठीक है। इसका मतलब साइन कॉस में नहीं बदलेगा, साइन साइन ही रहेगा, तो साइन 30 डिग्री आ जाएगा, और ये आपका पॉजिटिव होता है, तो ये माइनस तो माइनस रहेगा ही रहेगा, ठीक है। मतलब जब पॉजिटिव रहेगा तो ये पहले से ही माइनस है। कॉस में आते हैं, कॉस में जब आप आते हैं 180 में, 180 में होता है नो चेंज, इसका मतलब ये कॉस 60 ही रहेगा,
अब जब आप ध्यान से देखें तो ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, इसका मतलब कॉस वाला क्या जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। तो दो निगेटिव मिलकर क्या जाएंगे, प्लस आ जाएंगे। तो प्लस अगर आ गए तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, तो हमारा आंसर क्या आएगा 1/4। हमारा आंसर यहां से क्या आएगा 1/4, आप इसको ध्यान रखिएगा। तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 पर, और जैसा कि मैंने बोला भी था कि लास्ट में एक क्वेश्चन ऐसा आएगा तो मैं यहां पर आपको डिस्कस करूंगा। लिखा है किसी दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान पलट जाते हैं, तो मूल संख्या बताइए। अंकों का योग कितना है, 9 है, यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान पलट जाते हैं, तो मूल संख्या बताइए। 9 जोड़ने पर पलट जा रहा है, इसका मतलब 9 जोड़ने पर अगर पलट जा रहा है तो आप देख रहे हैं 9 गुणे 1 है, इसका मतलब हमारा आंसर वही होगा जिनमें अंकों का अंतर 1 है। यहां पर अंतर 1 है, यहां पर अंकों का अंतर 2 है, ये नहीं हो सकता, यहां पर 1 है, यहां पर भी 1 है। अब थोड़ा समझिएगा ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जिससे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, मैं इसको थोड़ा समझा देता हूं। मान लीजिए हमारे पास दो अंकों की संख्या है 73, ठीक है, मैंने बोला इसको पलट दिया जाए और घटा दिया जाए या जोड़ दिया जाए, जो भी आप बोलते हो, घटा दिया जाए। तो इसको जब आप घटाते हो तो हमेशा ध्यान रखिएगा, आप घटा कर भी चेक कर लो, इसमें जो अंकों का अंतर कितना है ये देखिए 4, और इसमें आप क्या कर दो 9 से मल्टीप्लाई कर दो, यही आपका अंतर आ जाता है। यहां पर चेक कर लीजिए 13 में 7 गया, अच्छा इसको घटाएंगे इतना ही आएगा, तो मैं क्यों घटाऊं, मुझे तो देखते ही पता चल जाएगा। इसका मतलब जो 38 और 83 वाला जो संख्या था, याद होगा ना औसत वाला जो क्वेश्चन था, वहां पर मैंने यही किया था कि दो अंकों का डिफरेंस लिया, 38 में 8 और 3 का डिफरेंस 5 और 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब 45। इसीलिए एक क्वेश्चन भी बनता है, नोट कर लीजिएगा, यदि दो अंकों की संख्या को आपस में पलट कर घटा दिया जाए तो जो घटाने वाली संख्या जो प्राप्त होती है, घटाने के बाद जो प्राप्त संख्या होगी वो हमेशा हमेशा 9 से क्या होगी, पूर्णतया विभाजित होगी, डिविजिबल होगी। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा घटाने पर। और यही चीज एक कॉन्सेप्ट और हो जाता है, अगर इन अंकों को बदलकर जोड़ दिया जाए तो जो भी प्राप्त संख्या होगी वो हमेशा 11 से डिविजिबल होती है। ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, मे भी आपके एग्जाम में आ सकता है। अब इसमें आप खुद ही सोच सकते हो 9 जोड़ने पर, ठीक है, इसका मतलब सीधी सी बात है अंकों के स्थान पलट जाते हैं तो मूल संख्या क्या होगी, मूल संख्या जो भी होगी वो 9 का मल्टीपल होगी। तो 9 का मल्टीपल क्या कोई ऑप्शन है, 53, 56 तो 9 से कट ही नहीं रहा, सीधी बात है जो भी संख्या आ रही होगी वो 9 से आपका क्या होना चाहिए, कटना चाहिए, ठीक है। जब अब आप बोलेंगे ये कैसे सर, क्योंकि आपका ये जो मूल संख्या आपसे पूछ रहा है ना, मूल संख्या जो भी डिफरेंस प्राप्त होगा 9 जोड़ने पर वो आपका पलटना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहां पर ऑप्शन के थ्रू भी जाओगे तो 53 में अगर आप 9 जोड़ोगे क्या पलट रहा है, क्या नहीं पलट रहा है, इसमें 9 जोड़िए क्या पलट रहा है, 56 में अगर आप 9 जोड़ेंगे ध्यान दीजिएगा, 56 में, क्योंकि आपसे पूछा है ना कि मूल संख्या आपसे पूछ रहा है, 56 में अगर हम 9 जोड़ देते हैं तो यह आ जाएगा 9, 6, 15 और ये कितना जाएगा 65। हाँ ये तो पलट गया भाई, ठीक है। तो एक बार मैं फिर पढ़ लेता हूँ, यहाँ पर लिखा है किसी दो अंकों की एक संख्या के अंकों का 9 है, यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान पलट जाते हैं, ठीक है, अंकों के स्थान पलट जाते हैं, तो मूल संख्या आपको यहां पर बताना है। चलिए यहां पर देखिएगा 45 में अगर 9 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 54, ये भी पलट गया, ये भी पलट गया। अगर मैं यहां पर 9 जोड़ूंगा तो ये आपका तो नहीं पलटेगा, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर इसमें 9 जोड़ूंगा, इसमें भी आपका अगर 9 जोड़ूंगा तो ये भी नहीं पलटेगा, ठीक है। तो हमारे पास यहां पर दो ऑप्शन आ रहा है 56 और 45, भाई ये भी देखिए पलट रहा है ना, 9 जोड़ना हो तो यहां पर भी क्या आ रहा है, यहां पर भी आपका 65 आ गया, मतलब ये पलट गया। यहां पर अगर 9 जोड़ना हो तो ये 54 आ रहा है, ये भी पलट जा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहां पर क्लू हम लोग देखते हैं। हाँ अब क्लू क्या आया ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक क्लू थे ये जो हमने ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा टाइम लग गया, ये चीज आपको ध्यान देना है। मतलब देखा जाए तो यहां पर सी डी ऑप्शन थे, लेकिन यहां पर एक चीज और दिया था कि जो अंकों का योग है वो क्या है, 9 है, इसका मतलब यहां देखिए 6, 5, 11 हो रहा है, तो ये आंसर गया काम से, तो सी ऑप्शन नहीं होगा। हमारा आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। अब आपको मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा इस कॉन्सेप्ट में आपको सारी चीजें।
तो 29 का आपका ऑप्शन क्या जाएगा, डी ऑप्शन। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहा, इसमें आपको बताना है यूनिट डिजिट। तो चलिए यूनिट डिजिट पर अगर हम बात करें तो यहां पर जो यूनिट डिजिट है ये आपका यहां से पूछा गया है कौन सी संख्या इकाई के स्थान पर होगी, यूनिट डिजिट पूछा जा रहा है। तो 7 और 3 की जो साइक्लिसिटी होती है, जो चक्रीयता होती है, वो कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, 1 अगर है ये तो भाई 1 ही देगा, तो इनटू अगर 1 भी करेंगे तो इससे कोई मतलब नहीं है। मेन आपको टारगेट इसी पे करना है, मेन टारगेट इसी पे करना है। अब 3, 7, 2 और 8 इन सब की जो साइक्लिसिटी होती है वो आपकी क्या होती है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए, 4 साइक्लिसिटी होती है। और इसका मतलब क्या होता है, 2-3 मिनट मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। जो भी पावर्स होंगी उसमें हम 4 से भाग देंगे, जो भी रिमाइंडर बचेगा इसी की पावर लगा देना है। बस एक चीज ध्यान रखना है कि अगर चार से कट जा रहा है तो जो भी साइक्लिसिटी होगी वही उसकी पावर बन जाएगी। अर्थात अगर ये 4 से कट गया तो 3 की साइक्लिसिटी 4 होती है, तो 3 की पावर 4 लगाना है, ना कि रिमाइंडर 0। इस बात का ध्यान रखिएगा। बस अब देखिए 7 और 3 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 4। ये तो आपका 1 ही आएगा, तो इसको हमको करना भी नहीं है क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं। यहां पर अगर आते हैं 4, 8, 32, इसका मतलब 7 की पावर 3 आया, 3 रिमाइंडर बचेगा ना, जो भी रिमाइंडर आएगा इसकी पावर लगा दिया। अगर यहां 77 भी होता ना तो इससे कोई मतलब नहीं है, अभी इसके पहले मैंने बताया भी था। अगर लास्ट 2 डिजिट निकाल रहे हैं तो अगर हमारे पास 4 अंकों की संख्या है तो मुझे 4 अंकों की संख्या से मतलब नहीं है, मुझे 2 अंकों की संख्या से मतलब है जो लास्ट में है। अगर मुझे यूनिट डिजिट निकालना है तो भले ही आपके 5 या 6 अंक ही बड़े नंबर क्यों ना दिए हो, मुझे उनसे कुछ भी नहीं मतलब है, मुझे सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर मान लीजिए 537 की पावर दिया हो तो 537 में मुझे 53 से नहीं मतलब है, मुझे सिर्फ 7 से मतलब है। यहां देखिए ऐसे यहां पर भी 71 में 3 का भाग देंगे, सॉरी 4 का भाग देंगे क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी 4 होती है, तो 71 में अगर आप 4 का भाग दोगे तो 68 आपका कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 3 बचेगा। चलिए 7 की पावर 3 343 में मुझे 3 से मतलब है, 3 की पावर 3 27 का मतलब मुझे 7 से मतलब है, तो 7 * 3 = 21। इधर तो 1 रहेगा ही रहेगा भाई, ये तो 1 चल ही रहा है ना, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो 3 * 7 = 21 में भी मुझे 1 से ही मतलब है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो आज का सेशन कैसा रहा, ठीक है, आप अच्छे से देखिए और इंजॉय करिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन में काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, मज़ा आया होगा और काफ़ी नई नई चीज़ें आपने सीखी यहाँ से, बहुत सारे आपने यहाँ से एक अस्त्र को और जोड़ा कि लास्ट 2 डिजिट पर कैसे काम करते हैं। ठीक है, डिजिबिलिटी रूल का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन ये फिनिश करते हैं और अगला जो आपका प्रैक्टिस सेट 10 होगा वहाँ पर भी आपको काफ़ी मजा आने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।